परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं और वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़ जाल में फंसा हुआ भारत। भारत को पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा अगर अपमान सहन करना पड़ा है, जिल्लत झेलनी पड़ी है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है, सांस्कृतिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है, तो सबसे ज्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण ही है। एक बार तो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के एक मकड़ जाल में फंसकर हम अपनी पूरी आजादी गंवा चुके हैं, अपनी स्वाधीनता हम खो चुके हैं, अपना स्वराज्य, अपना तंत्र सब कुछ लुटा चुके हैं। अगर इतिहास में बात करूं तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत ने जो की थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जिसके दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी भारत देश ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ संधियां की हैं। जैसे एक बार हमारे देश में एक विदेशी आया था जिसका नाम था सिकंदर, और भारत में उसका युद्ध हुआ था। एक चक्रवर्ती सम्राट था पुरु, जिसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया पोरस, उसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था, और आप सभी जानते हैं कि सिकंदर की उसमें पराजय हुई थी और भारत उसमें विजयी हुआ था, और सिकंदर को पराजित होकर भारत से लौटना पड़ा था। उस समय सिकंदर ने एक संधि की थी भारत के चक्रवर्ती सम्राट पुरु के साथ, और संधि क्या थी? संधि यह थी कि दूसरी बार कभी भी सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए नहीं आएगा, इसके बदले में चक्रवर्ती सम्राट पुरु ने सिकंदर को माफ कर दिया था। वरना स्थिति यह थी कि चक्रवर्ती सम्राट पुरु चाहता तो सिकंदर की गर्दन काट सकता था, क्योंकि सिकंदर पराजित होकर उसके चरणों में बैठा हुआ था, सिकंदर की पूरी सेना पराजित हुई थी, सिकंदर का अहंकार पराजित हुआ था। भारत में आने के पहले सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी देश उसको हरा नहीं पाया था। सिकंदर जिस देश में भी गया वहां उसको विजय मिली थी। पहला देश भारत था जहां पर आकर सिकंदर पराजित हुआ था, और सिकंदर ने इस पराजय को जब स्वीकार किया तो महाराजा पुरु से उसने एक विनती की थी कि मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। बदले में सिकंदर ने वायदा किया था कि वो भारत में दोबारा कभी नहीं आएगा, इस तरफ का मुंह कभी नहीं उठाएगा, भारत देश की स्वतंत्रता को, भारत देश की सार्वभौमत्व को, भारत देश की संप्रभुता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक संधि हुई थी सिकंदर और पुरु के बीच में, और उस संधि के बाद सिकंदर यहां से वापस गया था, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट पुरु ने तो नहीं मारा, लेकिन भगवान ने उसको मार डाला था। वो वापस यहां से जिंदा नहीं गया था, उसकी लाश वापस गई थी। ये इतिहास में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बस दुर्भाग्य इस बात का है कि इस संधि के कागज पत्र देखने को नहीं मिलते, प्रमाण देखने को नहीं मिलते। पूर्व इतिहास में बहुत सारी ऐसी संधियां हैं जिनके प्रमाण देखने को नहीं मिलते। ऐसे ही एक और विदेशी हमला हमारे देश पर हुआ था हूणों का, और एक विदेशी हमला हुआ था शकों का। इन दोनों विदेशी हमलों में भी भारत जीता था, शकों की पराजय हुई थी, हूणों की पराजय हुई थी, और उस पराजय के बाद शक और हूणों ने भी भारत के राजाओं से संधियां की थी, और उस संधियों में यही था कि वो दोबारा भारत पर हमला नहीं करेंगे, दोबारा भारत में नहीं आएंगे, और उस तरह से वो भी वापस गए थे यहां से। तो पूर्व इतिहास में हम अगर देखें तो ऐसी कई संधियां हुई हैं, जब विदेशी आए, भारत पर हमला किया, वो हारे, पराजित हुए, और उनकी जान छोड़ दी जाए, उनको क्षमा कर दिया जाए, इस आधार पर उन्होंने भारत के राजाओं से संधियां की, और वो संधियां इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन संधियों के बारे में अगर हम और आप ये देखने की कोशिश करें कि किन शब्दों में वो संधियां की गई थी,
किस आधार पर लिखा गया था वो प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहली संधि जो भारत में विदेशों से हुई या विदेशियों से हुई जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं, जिसको आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, जिसके प्रमाण अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, वो संधि लगभग 400 वर्ष पहले की संधि थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के सम्राट जहांगीर ने संधि की थी। और ये संधि 1615 में हुई थी। और इस संधि का मूल बिंदु ये था कि चक्रवर्ती सम्राट जो जहांगीर है, जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी इस देश में, हजारों लाखों गांव तक जिसकी मिल्कियत थी इस देश में, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर रहा है इस बात के लिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए और उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए कुछ स्थान की जरूरत है तो वे स्थान उसको दे दिया जाए और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की सुरक्षा के लिए कुछ सेना रखने की जरूरत है तो उनको सेना रखने की अनुमति दे दी जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ गोदाम बनाने की अनुमति दे दी जाए। ये चार बिंदुओं पर संधि हुई थी। संधि करने वाले भारत की तरफ से जो व्यक्ति थे वो जहांगीर, और संधि करने वाला अंग्रेज जो भारत में आया था उसका नाम था थॉमस रो। अंग्रेज उसको थॉमस रो भी कहते हैं, थॉमस रो भी कहते हैं, दोनों उच्चारण उसके नाम के हैं। तो थॉमस रो पहला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आकर संधि करके गया, वो लिखित संधि हुई। उस संधि के प्रमाण उपलब्ध हैं, दस्तावेज उपलब्ध हैं, भारत में भी वो दस्तावेज हैं। यहाँ दिल्ली में अभिलेखागार करके एक बड़ी संस्था है जिसको अंग्रेजी में हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स के पुराने जो दस्तावेजों का सेक्शन है वहां पर ये रखा हुआ है दस्तावेज। और अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, अंग्रेजों की जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनकी लाइब्रेरी में भी ये दस्तावेज रखा हुआ है। और अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको वो ब्रिटिश लाइब्रेरी कहते हैं, लंदन में जिनका मुख्य कार्यालय है, वहां पर भी इसका दस्तावेज रखा हुआ है। तीन जगह इस संधि का दस्तावेज रखा हुआ है। तो ये पहली लिखित संधि हुई भारत की विदेशियों के साथ जो आज भी प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। इस संधि से ही हम फंस गए विदेशियों के मकड़ जाल में। संधि में जहांगीर ने सूरत नाम का एक छोटा सा इलाका, जो अभी तो बहुत बड़ा जिला है, एक जमाने का वो छोटा सा ही क्षेत्र था लेकिन बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बहुत पैसे वाला एक क्षेत्र माना जाता था, बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र था, उस सूरत के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था व्यापार करने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां अपनी एक दुकान खोल ली थी, एक गोदाम बना लिया था, कुछ सेना रखने के लिए एक छोटा सा किला बना लिया था। जो किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में बनाया वो अभी भी मौजूद है, वो सुरक्षित है। आप में से कभी भी किसी भाई बहन को सूरत जाने का मौका मिले तो आप उसे देख सकते हैं, वो अभी भी खड़ा हुआ है वैसे का वैसा ही। वो संधि के आधार पर बनाया गया था। भारत की भूमि पर विदेशियों का पहला किला, भारत की भूमि पर विदेशियों की पहली फैक्ट्री, भारत की भूमि पर विदेशियों का पहला गोदाम और भारत की भूमि पर विदेशी सैनिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था पहली बार इस 1615 की संधि में ही हुई थी, जिसमें जहांगीर ने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद तो ऐसा हो गया इस देश में कि जहांगीर के बाद के जितने भी राजा हुए उन सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ ना कुछ संधि की। किसी ने एक राज्य दिया, किसी ने दो राज्य दिए, किसी ने तीन दिए, किसी ने पांच दिए, किसी ने दस दिए। बहुत सारे राजा इस देश में अंग्रेजों के साथ संधि करते ही चले गए और धीरे धीरे उस मकड़ जाल में फंसते ही चले गए। अगर कुल मिलाकर आप मुझे पूछेंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली संधि तो जहांगीर से की थी, कुल मिलाकर कितनी संधियां की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1615 से लेकर और 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम तक 565 संधियां की थी। और ये 565 संधियां भारत के अलग अलग राजाओं के साथ हुई थी। कुछ संधियां राजस्थान के राजाओं के साथ, कुछ संधियां गुजरात के राजाओं के साथ, कुछ संधियां मध्य भारत के राजाओं के साथ, मराठाओं के साथ, कुछ संधियां दक्षिण भारत के राजाओं के साथ, अलग अलग भारत में जो क्षेत्र होते थे वहां के राजाओं के साथ, ये कुल मिलाकर 565 संधियां अंग्रेजों ने की थी।
इस संधियों में क्या कहा जाता था। आप इन संधियों के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको एक बात लगेगी, जो मजाक है, सबसे क्रूर मजाक है, वो ये कि संधियों का जो शीर्षक होता था वो लिखा जाता था दोस्ती के लिए संधि, मित्रता के लिए संधि, अंग्रेजी में उसको कहा जाता था ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि, दोस्ती की संधि, ऐसे करके उसका शीर्षक होता था। और उसमें अंदर जो लिखा जाता था वो बिल्कुल शत्रुता की बातें होती थी। शीर्षक होता है मित्रता की संधि और अंदर क्या लिखा जाता है, एक उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने भारत के एक राजा के साथ संधि की जिनका नाम था श्री गंगाधर राव। ये श्री गंगाधर राव झांसी के राजा हुआ करते थे। झांसी उस जमाने में एक राज्य हुआ करता था। इस समय झांसी भारत का एक जिला है, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये एक राज्य के बराबर का होता था। आप अगर ये कल्पना करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि भारत में आज जितने भी जिले आपको लगते हैं, दिखाई देते हैं, जिनको आप जानते समझते हैं, ये लगभग सब राज्य के मुकाबले के हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में। तो झांसी एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा थे गंगाधर राव। उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की एक संधि की, या अंग्रेजों ने उनसे दोस्ती की एक संधि की। उस संधि में कहा गया कि गंगाधर राव और अंग्रेज आपस में दोस्त रहेंगे, गंगाधर राव का राज्य और अंग्रेजों की आपस में मित्रता रहेगी, और ये मित्रता जितने दिन चलेगी उतने दिन चलेगी। ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई। अंत में लिखा गया कि अगर श्री गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं होगी तो उनका पूरा राज्य अंग्रेज द्वारा ले लिया जाएगा। एक वाक्य उसमें ये लिख दिया गया। अगर आप वो संधि पत्र पढ़ेंगे जो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ अंग्रेजों ने लिखा, तो संधि पत्र में 90-95% की जो भाषा है वो दोस्ती और मित्रता वाली है। अंग्रेजों के द्वारा गंगाधर राव का गुणगान किया जा रहा है और गंगाधर राव के द्वारा अंग्रेजों का गुणगान किया जा रहा है। अंत में एक छोटा सा वाक्य उस संधि पत्र में डाल दिया गया अंग्रेजी में कि श्री गंगाधर राव की अपनी कोई संतान अगर नहीं होगी तो उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और संयोग कुछ ऐसा ही हुआ कि गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं हुई। गंगाधर राव की धर्मपत्नी का नाम ही था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक फैसला कर लिया कि हम किसी को दत्तक पुत्र ले लेंगे, और उन्होंने एक पुत्र को दत्तक ले लिया, गोद ले लिया। भारत में ऐसी परंपरा हजारों वर्ष से रही है, अगर किसी परिवार में पुत्र या पुत्री ना हो तो हम किसी को गोद ले लेते हैं। गोद ले लेने की परंपरा हमारे देश में हजारों साल पुरानी है। अंग्रेजों को यह परंपरा समझ में नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजों के देश में इस तरह से गोद लेने का कोई विधान नहीं था। तो अंग्रेजों ने इसको माना नहीं कि गंगाधर राव और उनकी धर्मपत्नी किसी को गोद ले रहे हैं और वो दत्तक पुत्र उनके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अंग्रेजों ने इसको माना नहीं। अंग्रेजों का कहना था कि उनके देश में ऐसा कुछ नहीं होता तो भारत में कैसे हो सकता है, और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ और अंग्रेजों ने जबरदस्ती झांसी राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लेने की घोषणा की। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ऐलान किया, मेरी झांसी नहीं दूंगी, उनका ये ऐलान था। ये एक ऐसा वाक्य था जो उस जमाने में भारतवासियों के खून में गर्मी पैदा करता था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। श्रीमती लक्ष्मीबाई को यह तब कहना पड़ा जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि झांसी का राज्य जबरदस्ती अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा, क्योंकि संधि में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसी संधि के आधार पर झांसी का राज्य अंग्रेजों के पास गया था। इसी तरह सतारा का राज्य अंग्रेजों ने छीना था, ऐसी ही एक संधि की थी उन्होंने सतारा के महाराजा के साथ। इसी तरह नागपुर का राज्य अंग्रेजों ने छीना था, इसी तरह पंजाब का राज्य अंग्रेजों ने छीना था, इसी तरह भारत के 565 राज्य अंग्रेजों ने छीने थे संधियां कर करके। संधियों में शुरू में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी और अंत में एक दो वाक्य ऐसा डाल दिया जाता था कि इस राजा की संतान ना होने पर यह राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, या इस राजा की मृत्यु होने के बाद ये पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। झांसी जैसे अंग्रेजों ने छीना वैसे ही पंजाब राज्य छीना था।
पंजाब राज्य में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई थी और उस संधि में ये लिखा गया था कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहेंगे पंजाब राज्य का शासन उनके हाथ में रहेगा, लेकिन जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी अंग्रेजों की उस पर व्यवस्था आ जाएगी। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही 1848 में अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था और इसी कब्जे को पूरा करने के लिए, पक्का करने के लिए डलहौजी नाम का अधिकारी लंदन से भारत आया था। तो अंग्रेजों के साथ हमने जो 565 संधियां की 1615 से लेकर 1857 के पहले तक, ये सारी संधियां भारत की गुलामी की संधियां साबित हुई। इन्हीं से भारत की आजादी गई और इन्हीं से भारत देश की परतंत्रता आई। अगर आपको एक वाक्य में मैं ये कहूं कि भारत देश को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता, भारत की जनता को अंग्रेजों ने युद्ध में कभी पराजित नहीं कर पाया, भारत के लोगों पर कभी भी अंग्रेजों ने बाहुबल से शासन स्थापित नहीं कर पाया, भारत को वो जीत नहीं पाए युद्ध में, भारत की जनता को कभी पराजित नहीं कर पाए युद्ध में, भारत को अपने बाहुबल से अंग्रेजों ने कब्जे में नहीं लिया, भारत को तो अंग्रेजों ने चालाकी के साथ संधियां करके अपनी गुलामी में लिया था। हम पराजित नहीं हुए थे अंग्रेजों से। बार बार भारतवासी मुझे ये सवाल पूछते हैं कि राजीव भाई हम अंग्रेजों के गुलाम हुए कैसे? तो हम उनसे कोई युद्ध में कमजोर थे, हारे थे, इसलिए गुलाम हुए, ये बात सच नहीं है। हमारे पास सैनिक कम थे, अंग्रेजों के पास सैनिक ज्यादा थे, ये बात भी सच नहीं है। कई बार हमको भूल से इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, भारतीयों के पास बंदूकें नहीं थी, अंग्रेजों के पास तोपें थी, भारतीयों के पास तोपें नहीं थी, अंग्रेजों के पास सेना बहुत अधिक थी, भारतीयों के पास सेना नहीं थी, अंग्रेज संगठित थे, भारतीय लोग असंगठित थे, इसलिए हम अंग्रेजों से हार गए और गुलाम हो गए। ये सब बातें झूठ हैं। हम अंग्रेजों से किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, किसी भी युद्ध में अंग्रेजों ने हमको नहीं हरा पाया। उल्टे जितने युद्ध अंग्रेजों ने भारत में आकर लड़े, अधिकांश युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हुई, अंग्रेज हारे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने जितने युद्ध किए थे संधि करने से पहले, सभी में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध किए थे उन सब में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। नागपुर सतारा में अंग्रेजों ने जितने युद्ध किए थे उनमें सब में अंग्रेज हारे थे। दक्षिण भारत में जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य पर हमला किया था, हैदर अली ने हर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। किसी भी युद्ध में अंग्रेज हैदर अली से जीत नहीं पाए थे। हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान जितने दिन राजा रहा उससे भी अंग्रेज कभी युद्ध में नहीं जीत पाए। माने भारत का अगर इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो अंग्रेजों के समय में एक भी युद्ध अंग्रेज भारत में नहीं जीत पाए थे। तो फिर भारत पर कैसे राज्य किया उन्होंने, कैसे कब्जा किया, कैसे भारत को गुलाम बनाया? उसका उत्तर है उन्होंने चालाकी भरी संधियां की भारत के राजाओं के साथ और उसमें हम गुलाम होते चले गए। आपको हंसी आएगी, मैं एक उदाहरण दूंगा। कुछ राजाओं के साथ तो अंग्रेजों ने युद्ध की संधि की, कुछ राजाओं के साथ खेलकूद की संधियां की। हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने खेल खेल में जीत लिया। एक राज्य था हमारे देश में सौराष्ट्र का, छोटा सा। उस राज्य के राजा के साथ अंग्रेजों ने क्रिकेट का मैच रखा। इसको हंसिएगा मत, आप दस्तावेजी और प्रमाण की जानकारी दे रहा हूं। क्रिकेट का मैच रखा और शर्त यह थी कि जो मैच जीतेगा राज्य उसका रहेगा, और अंग्रेजों ने क्रिकेट का मैच जीत लिया बेईमानी से और वो राज्य अंग्रेजों ने पूरा छीन लिया। क्रिकेट के मैच में राज्य छीन गए हमारे। मैं कई बार इस बात को गंभीरता से लेकिन मजाक में कहता हूं, अंग्रेजों ने हमारे हाथ में क्रिकेट का बैट दे दिया कि खेलो, और तलवारें हमारे हाथों से छीन के अपने हाथ में ले ली कि राज्य की जिम्मेदारी हमें दे दो, तुम क्रिकेट खेलो। तो भारत के कई सारे ऐसे राजा हुए जो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट के खेल में मैच हारकर राज्य हार बैठे और संधि में वो राज्य अंग्रेजों के पास चला गया। तो अंग्रेजों ने भारत के जो 565 राज्यों को छीनकर अपना साम्राज्य स्थापित किया,
उस सारे की एक वाक्य की अगर कहानी है तो वो यही है कि हमने भारत को युद्ध में नहीं हारा, हमने भारत को युद्ध में पराजित नहीं होने दिया, हमने तो पूरे भारत को संधि रूपी थाल में रखकर अंग्रेजों को पेश कर दिया। ये मैं उपमा में कह रहा हूं कि एक थाल हमने सजाया संधि के नाम का, उसमें संपूर्ण भारत के 565 राज्यों को रख के अंग्रेजों को बहुत सम्मान के साथ भेंट कर दिया कि ये लीजिए, ये सारा राज्य आपका है। तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया, गुलाम बनाया, तो वो संधियों के आधार पर बनाया। वो सारी संधियों के दस्तावेज, सारी संधियों के प्रमाण भारत में मौजूद हैं, और इन प्रमाणों को कई बार मुझे लगता है कि भारत के विद्यार्थियों को दिखाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, ताकि हमारे दिमाग से एक गलत फहमी निकल जाए। हमारे भारतवासियों के विद्यार्थियों में तो खास रूप से ये भरा दिया गया है, दिमाग में बिठा दिया गया है कि हम अंग्रेजों से कमजोर थे इसलिए हार गए। और अक्सर हम कुतर्क देते रहते हैं, भारत में सेना की कमी थी, भारत में सैनिकों की कमी थी, बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी, आधुनिक हथियार नहीं थे, हम संगठित नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे, सब राजा एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे, सब राजा एक दूसरे का विरोध करते रहते थे, इस चक्कर में हम में आपस में बड़ी फूट पड़ी रहती थी, और अंग्रेजों को मौका मिल गया, हमारे पे आके कब्जा कर बैठे। और कई बार ये तर्क इतना आगे तक चला जाता है, वो जो है कोरी भावुकता में हम कहना शुरू कर देते हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर है, कि भारत जातियों में विभाजित था, उपजातियों में विभाजित था, और जातियां आपस में लड़ती रहती थी, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत पर राज करने का। अंग्रेजों को मौका भारत पर राज करने का मिला नहीं, हमने भारत के राजाओं ने संधियां करके उनको राज करने का मौका दे दिया। ये हमारी कमजोरियां या गड़बड़ियां रही जो हम उनसे संधि कर बैठे। और भारत के इन दस्तावेजों को जब पढ़ने पर एक बात समझ में आती है, वो ये कि क्या सबके सब राजा मूर्ख थे जो ऐसी संधियां कर बैठे अंग्रेजों से। आपके मन में ये सवाल आएगा कि झांसी के राजा गंगाधर राव ने अगर अंग्रेजों से संधि की और उसमें ये लिख दिया कि झांसी के राजा की अगर संतान नहीं हुई तो उनका राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया जाएगा, तो क्या उनको ये समझता नहीं था? या हमारे कुछ राजाओं ने क्रिकेट का मैच खेलने के बदले में अंग्रेजों को अपना राज्य दे दिया और संधि पत्र में लिख दिया, क्या उन राजाओं को ये समझता नहीं था? बात दूसरी है, जो गंभीर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन राजाओं को ये सब समझता था, लेकिन जो संधि पत्र लिखे गए थे वो अधिकांश नहीं, पूरे के पूरे अंग्रेजी भाषा में थे, और भारत के 16वीं शताब्दी के राजा अंग्रेजी जानते नहीं थे। जब आज 21वीं शताब्दी में 1% से ज्यादा भारतवासी अंग्रेजी नहीं जानते, तो 16वीं शताब्दी में 1% से भी बहुत कम भारतवासी थे जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, ज्यादा अंग्रेजी जानने वाले लोग थे नहीं, और संधि पत्र पूरा अंग्रेजी में लिखा जाता था। जब उस संधि पत्र को समझना होता था तो किसी अंग्रेज को बुलाना पड़ता था, वो अंग्रेज उसको पढ़कर बताया करता था, और अंग्रेज वो अक्सर ऐसी बदमाशी करता था कि संधि का जो नकारात्मक पक्ष है उसको वो दबा जाता था और सकारात्मक पक्ष राजा को सुना देता था। जैसे महाराजा रणजीत सिंह के साथ जब संधि हुई ना, और उसमें अंत में एक वाक्य लिख दिया गया कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा, ये छोटा सा वाक्य महाराजा रणजीत सिंह को पढ़कर सुनाया ही नहीं गया, संधि पत्र में लिखा हुआ है, अनुवाद नहीं किया गया उसका। और महाराजा रणजीत सिंह को जो अनुवाद करके सुनाया गया वो क्या सुनाया गया? अंग्रेज आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप भी अंग्रेजों से मित्रता करिए, आगे कभी अंग्रेज पंजाब पर हमला नहीं करेंगे, आगे अंग्रेज कभी पंजाब में कदम नहीं रखेंगे, बदले में आप अंग्रेजों को क्षमादान कर दीजिए, और इस तरह की बातें थी। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, इसमें बुराई क्या है? अंत में जो छोटा सा वाक्य लिखा हुआ था कि आपकी मृत्यु के बाद ये राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, ये उनको पढ़कर किसी ने नहीं सुनाया, क्योंकि अनुवाद करने वाला अंग्रेज था और संधि पत्र लिखने वाला भी अंग्रेज था। भारतवासियों को अंग्रेजी आती नहीं थी, उस चक्कर में हमारे ज्यादातर राजा गफलत का शिकार हो गए और अपने अपने राज्य को गंवा बैठे, अपनी आजादी गंवा बैठे, अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे, अपना सब कुछ गंवा बैठे। तो ये तो इतिहास है भारत का
कि संधियों के चक्कर में हमारा देश गुलाम हुआ है। हमारा देश किसी अंग्रेज ने युद्ध में नहीं जीता, किसी अंग्रेज फौज ने युद्ध में नहीं जीता। बहुत दिन लगातार इन दस्तावेजों को देखने समझने के बाद मेरी ये समझ बनी कि हम अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, हम हारे नहीं, युद्ध के किसी मैदान में उन्होंने हमको नहीं जीता। हम तो चालाकी में कम थे जो उनसे आगे नहीं बढ़ पाए या उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाए, संधि पत्रों के चक्कर में अपनी आजादी गंवा बैठे। बाद में भारत में कुछ ऐसे क्रांतिवीर पैदा हुए जिनको अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, हिंदी भी अच्छी आती थी, और जब उन्होंने ये संधि पत्र पढ़ना शुरू किया तब उनको अंग्रेजों की चालाकियां समझ में आई। जैसे हमारे देश में क्रांतिवीर थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, इन सबको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, और चूंकि इनको अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, हिंदी भी अच्छी आती थी, तब उन्होंने वो संधि पत्र पढ़े, तब उनको समझ में आया कि अंग्रेजों ने क्या चालाकी हमारे देश के साथ की है, और तब उनको ये भी समझ में आया कि इन चालाक अंग्रेजों को पराजित कैसे किया जा सकता है और कैसे इनको भारत से भगाया जा सकता है। और तब उन्होंने जो योजनाएं बनाई आजादी की, उन योजनाओं के आधार पर जब काम होना शुरू हुआ तब जाकर भारत को सफलता मिली और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। मुझे जो कहना है वो ये कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में कुछ ऐसे क्रांतिवीर भारतवासी निकले जो अंग्रेजी के भी सिद्धहस्त थे, भारतीय भाषाओं में भी जिनकी गहराई से पकड़ थी, तो इसलिए वो अंग्रेजों की चालाकियों को समझ पाए। महात्मा गांधी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, सरदार पटेल बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, सरदार भगत सिंह को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, और उनके जो सहयोगी थे उन सबको अच्छी अंग्रेजी आती थी, उनके पहले के दौर के क्रांतिकारियों को भी अच्छी अंग्रेजी आती थी, इसलिए अंग्रेजों की चाल को समझ पाए, उनकी चालाकियों को समझ पाए और उनसे लड़ाई लड़ पाए और उस लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित कर पाए और अंग्रेजों को भारत से भगा पाए। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो अंग्रेजों की ये चालाकी भरी संधियों की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ी, कमजोर पड़ी और टूटी, और तब जाकर हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। लेकिन दुख और दुर्भाग्य अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों की जो चालाकी भरी संधियों से हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, आजादी के तुरंत बाद ऐसी ही एक खतरनाक संधि में फिर फंस गए। जो गलती कभी जहांगीर ने की, जो गलती कभी श्री गंगाधर राव से हुई, जो गलती कभी भारत के सौराष्ट्र के गुजरात के राजाओं ने की, जो गलती कभी हमारे देश के मराठाओं ने की, जो गलती कभी दक्षिण भारत के राजाओं ने की कि अंग्रेजों से चालाकी भरी संधियों में फंसते चले गए, वही गलती आजादी मिलते ही फिर भारत के राजाओं ने की। आजादी मिलते ही राजाओं का मतलब हमारे देश के जो शासक थे, प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे देश के गवर्नर, हमारे देश के मुख्यमंत्री, ये फिर से फंस गए उसी दुष्चक्र में और एक बहुत खतरनाक संधि कर बैठे अंग्रेजों से जिसका नाम द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। आजादी मिलते ही फिर एक बड़ी संधि हमने कर ली। आजादी के पहले अंग्रेजों की संधियों के खिलाफ लड़ रहे थे और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, आजादी मिलते ही ये देश फिर अंग्रेजों की एक बड़ी संधि में फंस गया और उस संधि का नाम द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, सत्ता के हस्तांतरण की संधि या सत्ता के हस्तांतरण का समझौता। और ये समझौता तो इतना खतरनाक है कि जब समय आएगा मैं इस पे बोलना शुरू करूंगा तब आपको अंदाजा लगेगा कि अंग्रेजों से जो हमने संधियां की थी 565 1615 से लेकर 1857 के बीच में, उन सारी संधियों को एक साथ जोड़ दिया जाए उससे भी सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक संधि है ये जो आजादी में हमने कर ली, द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में ये हुआ कि भारत की आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई, भारत ने आजादी अंग्रेजों से ली नहीं है, दी गई है आपको। जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है, अंग्रेजों ने आपको आजादी दी है, हमने अंग्रेजों से लड़कर आजादी ली नहीं है। कानूनी दस्तावेजों में ये लिखा गया इस संधि के आधार पर कि भारत को आजादी दी गई है। आजादी दी गई है तो आजादी ली जा सकती है,
यही तो मतलब हुआ। हमने आजादी ली नहीं है, अंग्रेजों ने हमको आजादी दी है। और द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में सबसे खतरनाक बात क्या हुई कि भारत को आजाद करने का कानून अंग्रेजों की संसद में बनाया गया। आप कैसा विरोधाभास देखेंगे इसको, कैसी विडंबना देखेंगे इस भारत देश की कि भारत के आजाद होने का कानून अंग्रेजों की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में बना और उसका नाम रखा गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत की स्वतंत्रता का कानून। और इसी कानून के तहत भारत देश को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। इसी कानून के तहत यह हुआ सारा का सारा। और हमने वो कानून स्वीकार कर लिया जो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ। आप बोलेंगे क्या होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि भारत में सारे के सारे क्रांतिकारी एक स्वर से ये कहते कि अंग्रेज कौन होते हैं आजादी देने वाले, हम आजादी ले रहे हैं, और अंग्रेज कौन होते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करने वाले, क्योंकि वो तो अब कुछ नहीं है इस देश के, हम हमारी आजादी का कानून बनाएंगे और हम हमारी आजादी के लिए नए नियम लिखेंगे, हमको ये अंग्रेजी संसद से पारित किए हुए कानून के आधार पर आजादी नहीं चाहिए। क्यों? आज अंग्रेजी संसद ने कानून पारित किया 1946-47 में, कल अंग्रेजी संसद उसी कानून को वापस ले ले तो क्या स्थिति होगी? आप जानते हैं जो संसद कानून को पास करती है वही संसद वापस लेने का अधिकार भी रखती है, बस इतना ही है कि बहुमत चाहिए। तो बहुमत से अंग्रेजों की संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश अलग हो गए। अगर किसी दिन बहुमत से वो इस कानून को वापस ले लें तब हमारी आजादी की स्थिति क्या होगी कानूनी रूप से? बड़े बड़े वकील इस पर मौन हैं, बड़े बड़े न्यायविद इस पर मौन हैं, बड़े बड़े भारत के नेता इस पर मौन हैं कि कल को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट वापस ले और रद्द करे तो हमारी हैसियत क्या होगी। और हम इससे भी ज्यादा एक बड़े मकड़ जाल में फंस गए अंग्रेजों की संधि के कि भारत आजाद हुआ लेकिन अंग्रेजों के मातहत ही है। ये आपको मालूम है, भारत अभी भी अंग्रेजों के मातहत है, अंग्रेजों के नीचे है। ये जो कॉमनवेल्थ एक शब्द आप सुनते हैं ना, कॉमनवेल्थ, COMMON, कॉमन WELTH, कॉमनवेल्थ माने होता है सामान्य संपत्ति, तो ये कॉमनवेल्थ माने अंग्रेजों की सामान्य संपत्ति। ये दुनिया में 71 देश हैं, भारत उसमें से एक है, ऑस्ट्रेलिया एक है, न्यूजीलैंड एक है, अफ्रीका के देश उसमें है, इन सबको कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है, कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है, राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। ये कॉमनवेल्थ है किसकी? ये ब्रिटेन की महारानी की है, ये 71 देशों की संपत्ति। और हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, जबरदस्ती एक संधि हमसे कराई गई है और उस संधि के तहत हम इसमें जुड़े हैं कॉमनवेल्थ में। तो जिन अंग्रेजों ने 250 साल मारा, पीटा, लूटा, अत्याचार किया, हमारा अपमान किया, हमारी आजादी को छीना, हमारी इज्जत को खत्म किया, हमारे सम्मान को खत्म किया, उन्हीं अंग्रेजों के साथ मिलकर हम कॉमनवेल्थ में हैं। ये तर्क समझ में नहीं आता। ये तर्क वो है कि हमने संधि कर रखी है, उस संधि के तहत आज भी हम अंग्रेजों के ही मातहत हैं। और ये कॉमनवेल्थ जो है ये सब वही देश हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, अंग्रेजों के उपनिवेश हैं, जो गुलाम रह चुके हैं अंग्रेजों के। और इसलिए होता क्या है पता है, भारत सहित दुनिया के 71 देश जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, इनमें से किसी भी देश में ब्रिटेन की महारानी जब यात्रा करती है तो उसको वीजा नहीं लेना पड़ता क्योंकि वो अपने ही देश में जाती है। हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के प्रधानमंत्री इन 71 देशों में से किसी भी देश की यात्रा करें तो उनको उस देश की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति लंदन जाएं, भारत के प्रधानमंत्री लंदन जाएं, भारत का कोई भी मुख्यमंत्री लंदन जाए तो अंग्रेजों की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। लेकिन लंदन की महारानी जब भारत में आती है तो भारत सरकार से उसको वीजा की जरूरत नहीं है, वो सीधे घुसी चली आती है।
और अंग्रेजों की महारानी जब भारत में आती है तो उसको 21 तोपों की सलामी देनी पड़ती है जैसे कि वो भारत की राष्ट्राध्यक्ष है। और हमारे देश की संसद में इस पर बहुत हंगामा हो चुका है। आप याद करिए, थोड़े वर्ष पहले ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी तो सवाल उठा कि उसको वीजा की जरूरत क्यों नहीं है, तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि ब्रिटेन की महारानी को वीजा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल है और राष्ट्रमंडल देश सब महारानी की संपत्ति माने जाते हैं, अभी भी ब्रिटिश कॉलोनीज माने जाते हैं। इसलिए महारानी अपने ही देश में आ रही है, इसलिए उसको वीजा नहीं चाहिए। तो पलट के ये कहा गया तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लंदन में जाने की वीजा की क्यों जरूरत होनी चाहिए? तो कहा यह गया कि भारत अपने देश में नहीं जा रहा है, माने राष्ट्रपति भारत के लंदन में जा रहे हैं तो वो विदेश में जा रहे हैं, वो लंदन भारत का देश नहीं है, लेकिन भारत लंदन का हिस्सा है, ब्रिटिश कॉलोनी है। तो लंदन की महारानी भारत आएगी तो वीजा नहीं लगेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति लंदन जाएगा तो उसको तो वीजा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के लिए लंदन विदेश है, लेकिन इंग्लैंड की महारानी के लिए भारत विदेश नहीं है। इतने शर्मनाक स्थिति में हमने आजादी पाई है इस देश की। बहुत शर्म है, बहुत अफसोस है और बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत की आजादी के लिए जहां 7,32,000 शहीदों ने आत्म बलिदान किया हो, अंग्रेजों के साथ सीधे संघर्ष किया हो, युद्ध किया हो, मारामारी की हो, और उन्हीं अंग्रेजों के साथ आजादी के समय हमने संधि की हो, और वो भी संधि इतने अपमानजनक शर्तों पर। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि भारत की आजादी अंग्रेजों ने दी, हमने आजादी ली नहीं, और वो आजादी दी गई है कानून के आधार पर। कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसी कानून में मैंने आपको कहा भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, उसकी पूरी व्यवस्था इसी कानून में तय की गई। माने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लंदन में हुआ है, वहां से तय हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा कराया गया। तो हम फिर फंस गए एक मकड़ जाल में, एक दूसरी संधि, और इसी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में सैकड़ों हजारों छोटी छोटी संधियों की बातें हैं जिनको कहना मुझे बहुत शर्म आती है। हमने वो बातें जैसी तैसी रख ली हैं। जैसे मैं नाम के लिए उदाहरण दूं, भारत का नाम इंडिया रहेगा, ये अंग्रेजों ने तय किया, ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स में हमने उसको स्वीकार कर लिया कि भारत का नाम तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से इंडिया रहेगा, और सारी दुनिया में भारत का नाम इंडिया प्रचारित किया जाएगा और इंडिया बोला जाएगा और सरकारी दस्तावेजों में इंडिया लिखा जाएगा। ये ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है, उस संधि के आधार पर। तो आज तक भारत का नाम इंडिया चला आ रहा है, दुनिया में किसी देश के दो नाम नहीं है। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश है, मॉरिशस का नाम मॉरिशस है, जापान का नाम जापान है, चीन का नाम चीन है, रूस का नाम रूस है। सारी दुनिया के देशों के नाम आप ढूंढेंगे तो एक और एक ही नाम है, भारत के दो नाम है। हमारे आपके लिए भारत है, लेकिन दस्तावेजों के लिए वो इंडिया है, और इंडिया भारत के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। पुराने जो दस्तावेज हैं, ना महाभारत में इंडिया है, ना रामायण में इंडिया है, ना हमारे वेदों में कहीं है, ना उपनिषदों में कहीं है, ना हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण में कहीं नहीं है, सिवाय अंग्रेजों के लिखे हुए कानून की किताबों को छोड़कर इंडिया कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में ये शामिल है, इसलिए इंडिया नाम चिपक गया है भारत से, और सारी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानती है। आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा कि आजादी के बाद भारत का नाम इंडिया क्यों होना चाहिए, और मुझे बहुत बार खुन्नस आती है इस बात को पढ़ते हुए। जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। क्यों होना चाहिए ये? भारत दैट इज इंडिया, ये तो ठीक है, और ये भी ठीक नहीं है, भारत दैट वॉज इंडिया, जो कभी इंडिया था वो अब भारत है, और वो भारत संविधान को आत्मार्पित कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, ये लिखा जाता वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत।
माने इंडिया पहले है, भारत बाद में है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ। और संविधान में ये वाक्य लिखना पड़ा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में ये है। इसी तरह से और दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊं, इस संधि के चक्कर में हमने क्या नुकसान किया है। आप रेलवे स्टेशन में जाएं कभी भी कोई भी गाड़ी में बैठने के लिए, तो आप अक्सर वहां देखेंगे कि एक बुक शॉप मिलेगी आपको, सभी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों की एक दुकान मिलेगी, उसका नाम है व्हीलर्स बुक शॉप। देखा है आपने, व्हीलर्स बुक शॉप सभी रेलवे स्टेशन पर। ये व्हीलर कौन था? एक अंग्रेज था, अत्याचारी था, सेना का अधिकारी था, जिसने भारत की हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए, हजारों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी और लुटवाई, और हमारे किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा गोलीबार किया, सबसे ज्यादा लाठी चार्ज किया। ऐसा एक अंग्रेज था व्हीलर, जिसने कानपुर के नजदीक बिठूर में कत्लेआम मचाया और पूरे बिठूर को साफ करा दिया। व्हीलर और नील दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बिठूर के 24,000 भारतीयों का कत्लेआम किया था, 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको मार डाला था। ये वो अत्याचारी व्हीलर था जिसके नाम पर एक एजेंसी और कंपनी शुरू हुई थी इंग्लैंड में, और वो भारत में आई और उन्होंने ये बुकशॉप वगैरह खोली। अब आजादी मिल गई तो व्हीलर बुकशॉप तो खत्म होनी चाहिए थी, और बुकशॉप खत्म नहीं होनी चाहिए थी तो कम से कम नाम तो बदलना चाहिए था। उस अत्याचारी व्हीलर का नाम हम क्यों लेंगे आजादी के बाद? लेकिन वो अभी तक नहीं बदला गया क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है, संधि में है। ऐसी शर्मनाक बहुत सारी बातें हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, बहुत सारे ऐसे भवन हैं, जैसे लॉरेंस रोड है, केनिंग रोड है, विलिंगटन रोड है, एडमंड्स रोड है, फिर हमारे यहाँ कोई केनिंग भवन है, लॉरेंस भवन है, एडमंड्स भवन है, मेयो भवन है, ये सब अंग्रेजों के नाम पर जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, भवन है, ये सब अभी आजादी के 63 साल के बाद भी क्यों है? कारण वही है, संधि में है, ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में है, इसलिए ये नाम अभी भी है। पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था, पूरी हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था, पूरी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर चल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है, संधि में ये है। तो भारत की गुलामी जो अंग्रेजों के जमाने में थी, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी जस की तस है, क्योंकि हमने संधियां कर रखी हैं और उन संधियों के मकरजाल में पूरे देश को फंसा रखा है। तो बहुत दुख होता है अपने देश के बारे में ये बात कहते हुए कि आजादी के पहले हम संधियों के मकरजाल में फंसकर गुलाम हुए, आजादी के बाद भी ये संधियों का मकरजाल हमने काट के नहीं फेंका, इसको और ज्यादा ताकत से पूरे भारत पर लागू करा दिया या उड़ेल लिया, और हम फिर से उन्हीं संधियों में फंस गए जिन संधियों में कभी अंग्रेजों ने हमको फंसाया था। हमने तो कई ऐसी शर्मनाक संधियां कर रखी हैं, आपको बहुत खराब लगेगा ये जानकर, अगर हमारी किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिस मुकदमे का फैसला करने के लिए कोई कानून ना हो देश में, हमारे हाई कोर्ट में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिसको फैसला देने के लिए कानून ना हो पूरे देश में, और जिसको फैसला देने के लिए संविधान में कोई जानकारी ना दी गई हो, तो साफ साफ संधि में लिखा गया है कि वो सारे मुकदमों का फैसला अंग्रेजों की न्याय पद्धति के आदर्शों के आधार पर ही होगा, भारतीय न्याय पद्धति का आदर्श उसमें लागू नहीं होगा। कितना शर्मनाक है अगर हमारी अदालत के पास कोई कानून ना हो फैसला देने के लिए, और हमारे संविधान में कोई बात ना कही गई हो उस संदर्भ में, तो हमको अंग्रेजों का अनुसरण अभी भी करना पड़ता है अदालतों में। इतनी गुलामी अभी तक इस देश में है। कारण क्या है? वो संधि में लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हजारों हजारों बातें, कभी समय आएगा तो और ज्यादा विस्तार से कहूंगा। आज मैं संकेत में ये कह रहा हूं कि आजादी के पहले हम संधियों में फंसे और आजादी के बाद भी इन संधियों में फंसते चले गए। तो आप बोलेंगे
आजादी के पहले के राजाओं के बारे में तो आपने ये टिप्पणी कर दी कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए अंग्रेजों की चाल में फंस के संधियों के गुलाम हो गए। लेकिन आजादी जब मिली हमको, या तथाकथित आजादी जब दी गई हमको, तब जमाने के नेता तो खूब अच्छी अंग्रेजी जानते थे, फिर वो क्यों इस मकड़ जाल में फंस गए? उसका कारण थोड़ा सा भिन्न है। आजादी के पहले के जो हमारे राजा महाराजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अंग्रेजों की चालाकियों का शिकार हुए, लेकिन आजादी मिलने के बाद के जो राजा महाराजा बने वो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए उन संधियों में फंस गए। वो मानते थे कि अंग्रेजों से अच्छा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। भारत के आजादी मिलने वाले दौर के नेताओं के भाषण अगर आप सुनेंगे ना संसद में, सारे भाषण मौजूद हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आखिरी अभी तक के प्रधानमंत्री के सब भाषण मौजूद हैं। वो ये कहेंगे कि सारा आदर्श अगर है तो अंग्रेजों के पास, आदर्श शिक्षा व्यवस्था तो अंग्रेजों की, आदर्श चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श कानून व्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श कृषि व्यवस्था अंग्रेजों की। हमारे देश के आजादी के समय के नेताओं को अंग्रेजों से बड़ा आदर्श दिखाई नहीं देता था, और इसलिए संसद में वो ठोक ठोक के कहते थे कि हमको तो भारत अंग्रेजों जैसा बनाना है, इसलिए अंग्रेज जिस रास्ते पर हमको चलाएंगे उसी रास्ते पे देश को ले जाना है, इसलिए वो संधियों में फंसे। हमारे राजा महाराजाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए संधियों में फंस गए। लेकिन आजादी के दौर के राजा महाराजाओं को खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में ही पढ़े थे, वहीं भले बड़े हुए थे, वहीं पर उनका सारा संस्कार हुआ था, उनको तो खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी। लेकिन उनके आदर्श अंग्रेज थे, उनके भगवान अंग्रेज थे, उनके लिए देवता अंग्रेज थे, उनके लिए सभ्यता और संस्कृति का माने ही अंग्रेजी था, इसलिए वो अंग्रेजियों के दुष्चक्र में फंस गए और संधियों के दुष्चक्र में, अंग्रेजियत के दुष्चक्र में फंस गए। दोनों समय में अलग अलग हमारे साथ विरोधाभास हुए, या कहें तो दोनों समय अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में हो, और ये संधियों का मकड़जाल फिर बढ़ता ही गया। हम सबसे पहले आजादी के बाद जिस संधि में फंसे, मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संधि, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ की संधि, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर और बहुत सारी संधियां ला दी गई। उनमें से एक महत्वपूर्ण संधि है जो इस समय हमारे लिए गले की फांसी का फंदा जैसा बनी हुई है। एक संधि हुई हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ, और उस संधि का नाम है वर्ल्ड बैंक ट्रीटी, विश्व बैंक की संधि। फिर एक हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि। मैं आपको एक छोटी तकनीकी बात बताता हूँ। दुनिया में संधियां दो तरह की होती हैं। एक तो द्विपक्षीय संधि होती है जिनमें दो पक्ष होते हैं, एक भारत एक इंग्लैंड, एक भारत एक फ्रांस, एक भारत एक जर्मनी, एक भारत एक रूस। ये सब द्विपक्षीय संधि है जिनमें दो देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं। ये जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं, ये दोनों देशों की सुविधाओं पर आधारित होती हैं। दोनों देशों की मर्जी है तो संधि होगी, अगर दोनों में से किसी एक देश की भी मर्जी नहीं है तो संधि नहीं होगी। ऐसी द्विपक्षीय संधियां होती हैं। लेकिन कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो बहुपक्षीय होती है, जिनमें एक देश के साथ समझौता नहीं होता, कई देशों के साथ मिलकर समझौता होता है, उनको बहुपक्षीय संधि कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो बहुपक्षीय संधियां होती हैं ये खतरनाक होती हैं। इनमें क्या होता है कि कोई एक देश अगर सहमत नहीं है तो भी जबरदस्ती उसको शामिल करा के सहमत बनाया जाता है, जबरदस्ती। तो बहुपक्षीय संधियां बहुत खतरनाक होती हैं, और इसमें जैसे हमारी मर्जी नहीं है संधि में शामिल होने की, फिर कई देश इकट्ठे होकर हमें मार पीट के उस संधि में लेके जाएंगे, शामिल कराएंगे। कुछ वो इस तरह से होता है जैसे भेड़ों के बाड़े में कोई एक भेड़ जाना नहीं चाहती तो दूसरी कई भेड़ों को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है और वो धकेल धकेल के उसको बाड़े में ले जाती हैं। वैसे ही होता है बहुपक्षीय संधि में। भारत नहीं चाहता किसी संधि में शामिल होना, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, भारत पर दबाव डालेंगे, और दबाव इतने हद तक डालेंगे कि झक मार के भारत को उसमें शामिल होना पड़ जाए, वो बहुपक्षीय संधि होती है। और बहुपक्षीय संधि को रद्द करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो कई देशों के साथ होती है।
द्विपक्षीय संधि को आप करें और रद्द कर दें वो आसान होता है। आज आपने संधि की, थोड़े दिन में आपको लगे कि आप उससे सहमत नहीं है या वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप रद्द कर दीजिए। लेकिन बहुपक्षीय संधि में एक बार आप घुस गए तो इसमें से बाहर निकलना और इसको रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है और जिंदगी भर के लिए वो क्लेश हो जाता है। तो ऐसी एक संधि हमारे देश ने कर ली सन 1947 में, आजादी मिलने के लगभग 6 महीने के बाद। ये संधि हुई 27 दिसंबर 1947 को और ये संधि हुई विश्व बैंक संधि और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संधि, ये दो संस्थाओं की संधि हुई जिसमें 44 देशों ने भारत के ऊपर दबाव डाला और भारत को जबरदस्ती इन दोनों संधियों में शामिल करा दिया। ये संधि क्या हुई, विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में। ये दोनों संस्थाओं का जन्म 27 दिसंबर 1947 को हुआ। ब्रेटन वुड नाम का एक छोटा सा स्थान है अमेरिका में, वहां पर इन दोनों संस्थाओं को पैदा किया गया। इन संस्थाओं का लक्ष्य क्या रखा गया, विश्व बैंक नाम की संस्था बनाई गई इस बात के लिए कि दुनिया के देशों को जब भी कर्ज लेने की जरूरत पड़े तो विश्व बैंक के पास वो जाएं और विश्व बैंक उनको कर्जा दे किसी भी काम के लिए, बदले में वो देश अपना अपना अंशदान विश्व बैंक में जमा करें। इसको थोड़ा समझिए, विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनाई गई, उसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत जैसे 44 देश कुछ कुछ अपने हिस्से का पैसा विश्व बैंक में जमा करें और जब जरूरत पड़े तो वहां से कर्ज ले लें। ऐसे करके ये संस्था बनाई गई। आप देखिए क्या मूर्खता की ये संधि है, कैसे फंसाया भारत को। पहले आप अपना अंशदान वहां जमा करो, $1 अरब 2 अरब डॉलर जो भी तय हुआ, 44 देश मिलके एक वहां बनाएंगे कोष, फिर उसमें से कर्जा ले लो जरूरत पड़ने पर। ये विश्व बैंक का बनाया गया, तो विश्व बैंक का ऐसी स्थापना कर दी गई, भारत को जबरदस्ती इसमें सदस्य बना दिया गया और ऐसी ही एक संस्था बना दी गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसमें भी यही नियम था। 44 देशों ने मिलकर इसको बनाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, भारत भी जबरदस्ती उसमें शामिल हो गया और उसमें भी यही था कि अपना अपना अंशदान ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करें और जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लें। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष दो संस्थाएं बनी 1947 27 दिसंबर को और वहां से एक संधि हुई जिसमें भारत भी शामिल हो गया अन्य 44 देशों के साथ। धीरे धीरे इस संधि में शामिल देशों की संख्या बढ़कर 186 हो गई। अब 2009 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि में 186 देश शामिल हैं, भारत भी उसमें से एक है। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन से ये दोनों संस्थाएं बनी उसी दिन से भारत इसमें शामिल है। अब आप बोलेंगे जी इसमें बुराई क्या है, इसमें देखिए क्या बुराई है जो समझने लायक है, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में हम अपना अंशदान जमा करते हैं हर साल, वो घटता बढ़ता रहता है, कभी $2 अरब है, कभी $3 अरब है, कभी $1.5 अरब है, कभी $2.5 अरब है, $1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और $1 में 50 रुपए होते हैं। तो हमारा अंशदान हर साल हमें देना पड़ता है विश्व बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, फिर कभी अचानक हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है और हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं कि हमें कर्जा दे दो, तो ये दोनों संस्थाएं कर्जा देने के पहले कुछ शर्तें लादती हैं हमारे ऊपर और उन शर्तों का पालन अगर हम करेंगे तो वो दोनों कर्जा देंगे, नहीं पालन करेंगे तो वो कर्ज नहीं देते। जब हम हमारा अंशदान वहां जमा करते हैं तब कोई शर्त नहीं है, वो कहते हैं लाओ 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 जमा कर दो, जल्दी जल्दी दे दो। जैसे ही हमारा अंशदान उनके कब्जे में जाता है, वो पूंजी उनकी हो जाती है, फिर वही पूंजी हमें कर्जे के रूप में लेनी है जिसका ब्याज भी हम देना चाहते हैं, लेकिन उस पर वो शर्तें लगाते हैं। शर्तें कैसी लगाते हैं, सबसे खराब, सबसे ज्यादा अपमानजनक। उदाहरण के लिए बताऊं, हमारी भारत सरकार ने 27 दिसंबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना अंशदान दिया जबकि भारत के पास पैसे नहीं थे, मुद्रा कोष को दान दिया, फिर उसके बाद इनको भी दिया विश्व बैंक को जबकि पैसे नहीं थे, दूसरों से उधार लेकर हमने हमारा अंशदान जमा कराया, फिर 1948 में जमा कराया, फिर 49 में जमा कराया, फिर 50 में जमा कराया, फिर 51 में जमा किया, फिर 52 में भी जमा किया,
1952 में हमारी सरकार को कर्जे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमारी सरकार ने एक पंचवार्षिक योजना बनाई, पहली बार बनाई, उसमें पूंजी की जरूरत थी। तो हमारी सरकार ने विश्व बैंक से कहा कि हम 1947 से हमारा अंशदान जमा कर रहे हैं और अब तक हमारा अंशदान कुछ 6-7 अरब डॉलर का हो चुका है, लिहाजा हम इतना कर्ज लेने के अधिकारी हैं, तो हमको ये कर्ज दे दिया जाए। तो विश्व बैंक ने कहा कर्जा तो देंगे, लेकिन हमारी शर्तें मान लो आप, तब हम आपको कर्ज देंगे। तो वो कर्ज तो देते हैं लेकिन कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। और वो शर्त क्या होती है? 1952 में भारत सरकार के ऊपर विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने सबसे पहली शर्त लगाई कि भारत अपने रुपए की कीमत को गिराए, अवमूल्यन करे, डिवेल्युएशन करे रुपए का। और 1952 के पहले स्थिति यह थी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर था, लेकिन विश्व बैंक मुद्रा कोष में जब हम कर्ज मांगने गए तो उन्होंने शर्त लगाई कि रुपए की कीमत गिराओ। तो भारत सरकार ने पहली ही बार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 30% घटा दी। फिर क्या हुआ? 1957 में फिर गए हम विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने के लिए, क्योंकि दूसरी पंचवार्षिक योजना के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कीमत गिराओ रुपए की, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 62 में हम गए, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 67 में गए, फिर 72 में गए, फिर 77 में गए, फिर 82 में गए, फिर 87 में गए। और 1991 में तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया कि इतने प्रतिशत कीमत गिरानी पड़ेगी तभी कर्ज देंगे। तो भारत सरकार ने लगातार विश्व बैंक और मुद्रा कोष के कर्ज के दबाव में आकर रुपए की कीमत को जो गिराना शुरू किया 1952 से, आज रुपए की कीमत गिरकर कितनी हो गई है आप सोचिए। कभी लगभग 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, आज 50 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया। तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संधि की शर्तों में फंसकर भारत का क्या नुकसान हुआ? जो हमारी 1 रुपए 1 डॉलर के हैसियत की करेंसी थी, अब वो 50 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो गई। माने हम 50 गुना कीमत अपनी करेंसी की कम करा लिए, हमने 50 गुना कीमत अपनी संपत्ति की घटा ली, हमने 50 गुना कीमत अपने संसाधनों की कम कर ली, हमने 50 गुना अपनी इज्जत कम कर ली पूरी दुनिया के सामने। अमरीका को ताकतवर बना दिया 50 गुना ज्यादा, अमेरिका का डॉलर 50 गुना कर दिया, अमेरिका की संपत्ति 50 गुनी बढ़ा दी, अमेरिका की समृद्धि 50 गुनी बढ़ा दी। तो अमेरिका को 50 गुना ताकतवर कर दिया हमने और अपने को 50 गुना कमजोर कर लिया हमने। ऐसी खतरनाक शर्तें होती हैं विश्व बैंक और मुद्रा कोष की। आप बोलेंगे जी इसमें क्या नुकसान है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हम 1952 में अगर अमेरिका को 1 रुपए का सामान बेचें तो हमको 1 डॉलर की कमाई होती थी, अब हमको अमेरिका को 50 रुपए का सामान बेचना पड़ता है तब 1 डॉलर की कमाई होती है। माने सामान 50 गुना ज्यादा जाता है, आमदनी हमारी उतनी ही आती है जो 1952 में आती थी। माने हमारा निर्यात 50 गुना सस्ता हो गया। अब इसका उल्टा सोचें, अब 1952 में अगर अमेरिका से 1 डॉलर का हम माल खरीदें तो 1 रुपया ही खर्च करना पड़ता था, अब अमेरिका से 1 डॉलर का माल खरीदना हो तो 50 रुपया खर्च करना पड़ता है। माने आयात हमारा 50 गुना महंगा हो गया, निर्यात हमारा 50 गुना सस्ता हो गया। और आयात निर्यात दोनों एक साथ 1-1 डॉलर का करें तो 100 गुने का नुकसान हमारा पूरा का पूरा देश को हो गया। आपको एक अंदाजा बताऊं ये नुकसान कितना होता है। भारत देश की सरकार कहती है कि 2008 में भारत ने जो निर्यात किया है दुनिया के देशों को वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है। ये निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए का तब है जब 1 डॉलर 50 रुपए का है। मान लीजिए 1 डॉलर 1 रुपए का होता और 5 लाख करोड़ का ही हम निर्यात करते तो ये निर्यात हमारा 250 लाख करोड़ का बैठता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो चीजें हमने अभी 5 लाख करोड़ रुपए की बेची हैं उनका वास्तविक मूल्य 250 लाख करोड़ है। माने 250 लाख करोड़ की चीजें हमने 5 लाख करोड़ में दे दी, कौड़ी के भाव में दे दी, देश को लुटा दिया हमने। और एक साल में इस देश का 245 लाख करोड़ का नुकसान करा लिया हमने मुद्रा का अवमूल्यन करके। इतनी बड़ी चपत और चोट इस देश को लगती है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इसको और ठोस रूप में आपको मैं समझाता हूं।
आपके समझ में आ जाए ताकि आप करोड़ों लोगों को ये समझाएं। जब हम मुद्रा में एक डॉलर के बराबर थे, एक डॉलर एक रुपया, तब हम अमेरिका को कच्चा लोहा बेचें या दुनिया के किसी भी देश को कच्चा लोहा बेचें तो एक किलो कच्चा लोहा हमारा बिकता था 7.75 रुपए का, क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था। अब कच्चा लोहा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं तो वही कच्चा लोहा हमारा बिकता है 25 पैसे का। जो वस्तु 1952 में हम 7 रुपए की बेच रहे थे वो वस्तु अब बिक रही है 25 पैसे की। सोचो, एक किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं, 6.75 रुपए पर किलो, एक किलो पे नुकसान। और 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा हम हर साल बेचते हैं, 14-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, 1952 में अगर हम अमेरिका से स्टील खरीदें या लोहा खरीदें, एक रुपया डॉलर के हिसाब से होता था, अब वही स्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो 50 रुपया डॉलर के हिसाब से होता है। तो आप कल्पना करो कि जो स्टील हम 52 में खरीदते थे और जो स्टील 2009 में खरीदते हैं वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है। आपको हैरानी होगी, 1952 में हम स्टील खरीदते थे दुनिया के देशों से तो 80 पैसे किलो के भाव में हम लेते थे, आज वही स्टील हमको 40 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है। स्टील वही है, रुपया 40 जाता है उसका, क्वालिटी वही है, रुपया 40 जाता है उसका। आयात करें तो घाटा, निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा। फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपए की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े, फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं, फिर घाटा बढ़ाएं। इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम ये बहस करते हैं कि इस दुष्चक्र से भारत को निकालने का रास्ता बताओ तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजीव भाई, एक ही रास्ता है कि भारत इतनी ताकत हासिल करे कि ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि को एक झटके में खत्म करे और दुनिया के 85 देशों के साथ मिलकर इस संधि को खत्म कराए तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। अन्यथा तो ये देश पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा। और ये जो कहानी मैंने भारत की सुनाई ना रुपए के अवमूल्यन की, ये इससे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है अफ्रीकी देशों के रुपए के अवमूल्यन की। अफ्रीकी देशों में रोडेशिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, छोटे छोटे देश हैं, नाइजीरिया वगैरह हैं। इन सब देशों के ऊपर तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक का इतना कठोर डंडा चलता है कि उनकी करेंसी 15,000 एक डॉलर के बराबर होती है, उनकी मुद्रा की कीमत नहीं है। और वो कीमत गिराई किसने है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर, क्योंकि ये देश भी जाकर कर्ज लाते हैं और कर्ज के लिए एक ही शर्त है, वो लगाते हैं कि कीमत कम करो अपनी करेंसी की। तो उस चक्कर में ये देश और भी बर्बाद हो रहे हैं। माने कोई मुद्रा की कीमत ही नहीं है और वो कीमत को बिल्कुल जमीन पे धराशायी कर देने का काम विश्व बैंक और मुद्रा कोष करते हैं। मैं और एक उदाहरण देता हूं, हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर यह मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा डंडा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना रुपया है, रुपया। हमारे यहाँ जैसे रुपया है ना, इंडोनेशिया में रुपया है। तो एक डॉलर में एक जमाने में 17 रुपया हुआ करता था, विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने उसको 17,000 रुपया करा दिया एक डॉलर में, गरीबों का सोच। और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया इसी चक्कर में फंस के। ऐसे ही लैटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, एक है ब्राजील, एक है चिली, एक है कोस्टारिका, एक है कोलंबिया। ऐसे दुनिया में 100 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चक्कर में फंसकर कर्ज लेने के लिए गए और उनकी शर्तों को मानते हुए अपनी करेंसियों को उन्होंने कम किया और अवमूल्यन में पूरी तरह से डूब गए, कर्जे में फंसे और गहरे कर्जे में फंस गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का षड्यंत्र सारी दुनिया में चलता है। और इस पे कब्जा किसका है? अमेरिका का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिका की मर्जी से, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनता है उसका तो नियम है कि वो अमरीकी नागरिक ही होना चाहिए तभी अध्यक्ष बन सकता है। अंशदान हम सब दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 186 देश
अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष इन 186 देशों में से किसी का नहीं बन सकता, वो सिर्फ अमेरिका का ही बनता है और अमेरिका में ही पैदा हुआ नागरिक विश्व बैंक का अध्यक्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष भी अमेरिका की पसंद से ही बनाया जाता है, तो अमेरिका का पूरा कब्जा उस पर रहता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, पिछले 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अमेरिका अपना अंशदान जमा नहीं कर रहा है, फिर भी दादागिरी उसी की चल रही है। और ये दादागिरी कैसे चल रही है, इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है, तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट है इन दोनों संस्थाओं में और वो वोट है करीब 20%, तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं। अंशदान सबके बराबर हैं और वोट अमेरिका के ज्यादा हैं, इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है, उपाध्यक्ष अमेरिका का बनता है, सब कुछ अमेरिका के समर्थन से ही होता है और अमेरिका जैसा कहता है ये दोनों संस्थाएं वैसे ही काम करती हैं। एक और उदाहरण दूं, इन दोनों संस्थाओं में कर्ज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्त ये लगाते हैं। इनकी दूसरी शर्त क्या होती है, जैसे भारत देश कभी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विदेशी कंपनियों को बेचो, ये दूसरी शर्त है उनकी। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारे, हमारे यहाँ लोहे की खदानें हैं, हमारे यहाँ कोयले की खदानें हैं, हमारे यहाँ सोना निकलता है जमीन के नीचे से, हीरे की खदानें हैं, पन्ने की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की, हमारे यहाँ तो बेशकीमती खदानें ही खदानें हैं। भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जितनी संपत्ति दी है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति जमीन के नीचे दे रखी है भगवान ने इस देश को। तो जब भी हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाते हैं तो वो दूसरी शर्त लगाते हैं कि भारत की ये जो खदानें हैं कोयले की, लोहे की, हीरे की, ये सब विदेशी कंपनियों को दे दो, तो भारत की सरकार धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके इन खदानों को कौड़ी के भाव में बेचती रहती है। आपको मालूम है इसी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में इस समय भारत के लोहे की ज्यादातर खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई हैं, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में और झारखंड में, सारी खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में। इसी तरह से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है हीरे के व्यापार में डी बियर्स, उसके हाथ में हमारी हीरे की खदानें चली गई। और अब तो प्राकृतिक संसाधनों में आपको मालूम है खदानें तो होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है, नदियां बिक रही हैं हमारी। आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी नदी है शिवनाथ नदी, वो विदेशी कंपनी ने खरीद ली है पूरी की पूरी। हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है, लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये पानी को सरकार की संपत्ति बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया। जंगल बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम हमारे देश में, पहाड़ बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड़ है उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पर्वत पर हजारों किस्म की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं। उस पूरे गंधमार्दन पर्वत को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष का शर्त है कर्जे की। तो हमारे सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं, ये शर्त होती है मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते हैं ना, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, IEL है, BHEL है, IEL है, ऐसे भारत में 244 बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं। मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्त यह है कि इन कारखानों को भी एक एक करके विदेशी कंपनियों को बेचते जाओ, और हमारी सरकार पिछले 15 सालों से इन कारखानों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कई कारखाने विदेशी कंपनियों के हाथ में जा चुके हैं। फिर हमारे यहाँ
जीवन बीमा व्यवसाय है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, इसको भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दो, तो भारत ने जीवन बीमा के क्षेत्र में और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 26% पूंजी निवेश का अधिकार विदेशी कंपनियों को दे दिया। अब नया कानून बनाकर उसको 49% करने जा रहे हैं, थोड़े दिन में 74% करेंगे और एक दिन 100% कर देंगे। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी खतरनाक होती हैं। एक तीसरी शर्त बताता हूं, विश्व बैंक और मुद्रा कोष की एक तीसरी शर्त यह होती है कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जिसको सब्सिडी के नाम से हम जानते हैं, इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के ऊपर खर्च होने वाले बजट को कम करते जाओ। तो सन 1991 से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया। तो शिक्षा के लिए धन कम हो गया, स्वास्थ्य के लिए धन कम हो गया, चिकित्सा के लिए धन कम हो गया, किसानों के लिए धन कम हो गया, खेती के लिए धन कम हो गया, सिंचाई के लिए धन कम हो गया, माने भारत के आम आदमी की जरूरतें पूरी करने वाली जो योजनाएं हैं विकास की, उन सबके लिए सरकार के पास अब धन की कमी है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष की वो शर्त है। और विश्व बैंक और मुद्रा कोष क्या कहते हैं, वो कहते हैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, न्याय का प्राइवेटाइजेशन कर दो, सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, संसाधनों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है। आपको मालूम है सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है, सड़कें विदेशी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को दी जा रही है बनाने के लिए, बनाने के लिए कर्ज की जरूरत है, सरकार उसकी कमी पूरी कर रही है, कर्जा सरकार दिलवा रही है, कर्जा वो ठेकेदारों के नाम से वो देशी हो या विदेशी हो विड्रॉ किया जा रहा है, सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाकर उस पर टोल टैक्स वसूल रहे हैं, 10-10 साल के लिए, 20-20 साल के लिए, 30-30 साल के लिए, 40-40 साल के लिए 1 किलोमीटर का 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपए के हिसाब से टोल टैक्स वसूल रहे हैं, और सरकार उन सड़कों पर चलने के लिए रोड टैक्स अलग से वसूल रही है, और कुछ सड़कें तो पूरी विदेशी कंपनियों की मिल्कियत की हो गई हैं इस देश में, वो जितना मनमाना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते हैं। आप कभी जाओ मुंबई से पुणे के बीच में एक सड़क बनी है जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, उस पर 150 रुपए टोल टैक्स है, 150 रुपए, जबकि सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है। जाओ तो 150 रुपए दो, आओ तो 150 रुपए, माने सड़कों की मिल्कियत विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई, भवने विदेशी कंपनियों के हाथ में, जंगल विदेशी कंपनियों के हाथ में, सरोवर तालाब नदियां विदेशी कंपनियों के हाथ में, सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाए, ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें होती हैं। ऐसी खतरनाक शर्तों के आधार पर वो कर्ज देते हैं और हमारे जैसे गरीब देश उनसे कर्ज लेकर दुष्चक्र में फंसते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपनी आजादी को गंवा बैठते हैं। ऐसी एक और खतरनाक संधि के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश की सरकारें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर रही हैं दूसरे देशों के साथ, जिनको कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता या मुक्त व्यापार के समझौते। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ ये मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं, भारत से थोड़ा दूरी पर रहने वाले जो देश हैं उनके साथ मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं। इन मुक्त व्यापार के समझौतों की एक ही शर्त होती है कि दूसरे देशों से आने वाला जो सामान है वो भारत में सस्ता किया जाए और बाहर से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाए। तो जिन विदेशी सामानों पर हमारे यहाँ 300, 350, 400% की कस्टम ड्यूटी लगती है, मुक्त व्यापार के समझौते के बाद वो कस्टम ड्यूटी 0% हो जाती है, 0% हो जाती है। परिणाम क्या होता है, जब आपने मुक्त व्यापार का समझौता किया, जैसे चीन के साथ हमने मुक्त व्यापार का समझौता किया, एक उदाहरण से बताता हूं, तो उसमें चीन से आने वाले जो खिलौने हैं उस पर हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी, चीन के खिलौने बहुत सस्ते हो गए, भारत में आकर धड़ल्ले से बिकने लगे, परिणाम हुआ कि भारत के खिलौने बनाने वाले हजारों लाखों उद्योग बंद हो गए और सारे बाजार में अब चीन के खिलौने ही बिक रहे हैं। भगवान, ऐसे ही चीन के यहां से हमने एक समझौता कर लिया, उसमें चीन के यहां से मूर्तियां आती हैं भगवान की बनी हुई, लक्ष्मी और गणेश जी जो दिवाली पर हम पूजते हैं वो चीन के बने हुए हैं, कम्युनिस्ट के नास्तिकों, और उस चीन में ना कोई लक्ष्मी को मानता है ना कोई गणेश को मानता है, क्योंकि वो नास्तिक देश है।
तो वहां से लक्ष्मी गणेश जी हनुमान जी आते हैं और पूरी दिवाली पर सबसे ज्यादा वही बिकते हैं। फिर इसी तरह हमारे यहाँ दिवाली पर छोटे बल्बों की हम जो झालर और लड़ी लगाते हैं वो चीन के बल्बों की है। तो मुक्त व्यापार का हमने चीन से समझौता किया, 4000 ऐसी वस्तुएं हैं जो चीन से आती हैं बहुत सस्ती कीमत पर, जिन पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल थोड़ी सी 0%, 1%, 2% की रखते हैं और वो सस्ती सस्ती चीजें आके बाजार में भर जाती हैं। अंतिम दुष्परिणाम निकलता है कि भारत की जो कंपनियां उन चीजों को बनाती हैं उनकी महंगी हो जाती हैं चीजें, वो बेच नहीं पाते हैं और हजारों लाखों छोटे उद्योग इस देश में बंद होते चले जाते हैं। हमारी सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार का समझौता किया, ताइवान के साथ किया, थाईलैंड के साथ किया, वियतनाम के साथ किया, ऐसे 10 देशों के साथ अभी सरकार ने समझौते किए। इसमें कॉफी आ रही है वहां से, तेल आ रहा है नारियल का, कॉफी आ रही है, चाय आ रही है और कई तरह की खेती की चीजें आ रही हैं, कपास आ रही है वहां से, मशीनरी के आइटम आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इन 10 देशों से। परिणाम क्या है कि 4-5 हजार चीजें आ रही हैं, उनमें से कस्टम ड्यूटी लगभग शून्य के बराबर है, 0% है या 1-2% के आसपास है। बहुत सस्ती सस्ती चीजें आके ये बाजार में भर रही हैं और भारत में कॉफी पैदा करने वाले रो रहे हैं, नारियल पैदा करने वाले रो रहे हैं, चाय पैदा करने वाले रो रहे हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलाने वाले रो रहे हैं, कपास पैदा करने वाले रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि विदेशों से ये सब सस्ती चीजें आ रही। और ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं और ये मुक्त व्यापार के समझौते फांसी का फंदा बन जाते हैं गलों में उन छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों के लिए। एक और ऐसी हमने कुछ संधियां की हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, बहुत खतरनाक संधि है वो, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी करके एक संधि है, 60 देशों के साथ हमने ये संधि कर रखी है, उसमें से मॉरिशस एक है और हमारे पड़ोसी कई देश हैं, 60 देशों से हमारी ये संधि है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि मॉरिशस जैसे 60 देशों की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार करेगी, अगर वो मॉरिशस में इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स पे कर रही है तो भारत में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये है संधि। तो परिणाम क्या होता है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां मॉरिशस में जाके पहला ऑफिस बना लेती हैं, फिर वहां से भारत में घुसकर पूंजी निवेश करती हैं और उस पूंजी निवेश पर जितना मुनाफा वो कमाते हैं एक पैसा टैक्स दिए बिना सब लूट कर यहां से ले जाते। और हर साल हमारे देश में 15-20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस चक्कर में हो जाता है। अब मॉरिशस बिल्कुल छोटा सा देश है लेकिन पूंजी निवेश की तालिका में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश करने वाला देश मॉरिशस बना हुआ है। उसके पास अपने लिए कुछ खाने पीने को नहीं है, स्वावलंबी देश नहीं है, स्वदेशी नहीं है, पूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है। वो भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश कहां से कर रहा है? बहुत सारे देशों की कंपनियां वहां आकर पूंजी निवेश करके भारत में घुस रही हैं क्योंकि टैक्स की उनको चोरी करने का रास्ता खुला हुआ है। और ऐसी संधि 60 देशों के साथ हमने कर रखी है जिसमें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। खाली मॉरिशस देश वाला अध्ययन मैंने किया था, 15 हजार करोड़ का नुकसान हर साल हमको होता है मॉरिशस देश के साथ, ये संधि हमने कर रखी है, 60 और भी देश। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा, एक हमने मल्टीलेटरल ट्रीटी की हुई है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर जिसका नाम है WTO एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। पहले इसको हम गेट एग्रीमेंट कहते थे, आजकल इसको WTO एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में तो इतनी खतरनाक शर्तें हैं, मैं इसकी एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। WTO एग्रीमेंट की पूरी कॉपी मेरे पास है, ये करीब 576 पेज का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को भारत सरकार ने 1995 में साइन किया, 2005 से ये भारत में लागू हो गया। इस एग्रीमेंट की एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। माने ये 576 पन्ने का जो पूरा एग्रीमेंट है ये पूरा का पूरा आपको मानना ही पड़ेगा, इसकी एक लाइन एक वाक्य भी आप अलग नहीं कर सकते, ये इसका मतलब। अब इसमें 576 पेजों में अलग अलग समझौते हैं, जैसे एग्रीमेंट फॉर टेक्सटाइल है, एग्रीमेंट फॉर एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट फॉर सर्विसेज है, एग्रीमेंट ऑन पेटेंट्स है जिसको ट्रिप्स कहते हैं, ऐसे इसमें 28 समझौते हैं। उन सभी समझौतों की शर्तें इतनी इतनी खराब हैं कि देश का पूरा आर्थिक नाश हो जाए
ऐसा खतरनाक ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 576 पेज का सारा एग्रीमेंट तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके एक दो आर्टिकल जरूर पढ़ के बताना चाहता हूँ जो बहुत खतरनाक है। हमारे भारत देश में अभी तक की ये व्यवस्था रही है कि दवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया जो आविष्कार होता है तो आविष्कार पर पेटेंट होता है, लेकिन आविष्कार का जो तरीका होता है वो पेटेंट नहीं होता। तरीके को हम कहते हैं प्रोसेस, और जो बन के तैयार होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो भारत में प्रोसेस का पेटेंट तो नहीं होता, प्रोडक्ट का पेटेंट होता है, लेकिन वो आविष्कारी हो तो, माने नया हो तो। अब ये जो नया एग्रीमेंट है WTO का, वो ये कहता है कि आविष्कार हो या ना हो, नया हो या ना हो, प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, सबको पेटेंट देना ही पड़ेगा, और कम से कम 20 साल के लिए देना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि विदेशों से कोई नई दवा आई, वो नई दवा को हमने दूसरे तरीके से बना लिया और सस्ती कीमत पर हम भारत में बेच सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट के बाद कोई भी विदेशी दवा आती है उसकी कितनी भी सस्ती कीमत पर हम दूसरी दवा बना के नहीं बेच सकते, 20 साल तक वही कंपनी उस दवा को बेचेगी और लाखों करोड़ों रुपए लूटेगी। ऐसा एग्रीमेंट है। इसी तरह बीज के क्षेत्र में हमारे यहाँ ये होता था कि किसान जो बीज बनाते हैं उस पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन अब इस समझौते में बहुत साफ लिखा हुआ है कि बीज किसान का हो या कंपनी का, पेटेंट के मालिक का ही अधिकार होगा। ऐसी इसमें एक दो नहीं हजारों शर्तें हैं WTO एग्रीमेंट में, और यह भी हमने साइन कर लिया है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़ जाल में हमारा ये देश फंस गया है। अब हमें इसको बाहर निकालना है तो कोई बहुत बड़ा अभियान, कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ अभियान चलाना पड़ेगा और इन संधियों के मकड़ जाल को काटना पड़ेगा और भारत जैसे दुनिया के देशों को खड़ा करके इस पूरी दुनिया को इन संधियों के मकड़ जाल से मुक्त कराना पड़ेगा। कुछ एक दो और महत्वपूर्ण संधियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उसके पहले एक पुरानी छोटी सी अधूरी बात को पूरा कर दूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि हमने की है, WTO की संधि हमने की है, जिसमें मैंने पेटेंट की बात आपसे कही, उस संधि में कुछ और भी खतरनाक एक दो बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं। कि अभी तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि कोई विदेशी कंपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो हम उसको विदेशी कंपनी मान के उसके साथ व्यवहार करते हैं, और कोई भी देश में ऐसे ही व्यवहार होता है। जब आप अपने देश के नागरिक होते हुए अपने देश में व्यापार करते हैं तो एक तरह का व्यवहार आपके साथ होता है, जब आप बाहर के नागरिक की हैसियत से आकर हमारे देश में या किसी देश में व्यापार करेंगे तो विदेशी नागरिक की हैसियत से आपके साथ व्यवहार होता है। लेकिन इस WTO एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट फॉर ट्रिम्स उसका नाम है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, उसका मैं एक धारा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इतनी खतरनाक है कि अभी तक मैंने कहा ना, कोई विदेशी आएगा तो व्यापार करेगा हम उसको विदेशी मानेंगे, और हमारे देश का नागरिक भारत में व्यापार करेगा तो उसको देशी मानेंगे, स्वदेशी मानेंगे। अब इस एग्रीमेंट में WTO में ये लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी कंपनी को या विदेशी नागरिक को भारत में व्यापार करते समय आपको वो सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो किसी स्वदेशी कंपनी को और स्वदेशी नागरिक को आप देते हैं, और आप उसको विदेशी नहीं मान सकते, उसकी संपत्ति की सुरक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी भारतीय और स्वदेशी नागरिक की संपत्ति की रक्षा करनी पड़ती है। हमारी बोली का भी इतने खतरनाक इसमें एग्रीमेंट में, इस संधि में, समझौते में वाक्य लिखे हुए, माने विदेशी कंपनी कोई आए भारत में, उसने पूंजी लगाई, अब वो पूरी कंपनी भारत की सरकार की नजरों में विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी कंपनी की तरह ही है और उसकी सुविधा, उसका सुख, सब कुछ आपको वैसे ही संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा जैसे किसी स्वदेशी और देशी कंपनी का आप रखते हैं। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, जैसे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी अमेरिका से भारत में आई, उसने 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस उसमें से रिसी और वो गैस के कारण 17,000 लोग एक रात में तड़प तड़प के मर गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना वो मानी जाती है। इसको एक अमेरिका की कंपनी ने किया और उस कंपनी के खिलाफ भारत देश में एक अभियान चला
उस अभियान के तहत कंपनी की संपत्ति जब्त हुई। सरकार ने और अदालत ने मिलकर कार्रवाई की, वो संपत्ति लोगों में बांटी गई। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के कारण वो सबको बराबर नहीं मिल पाई और संपत्ति जितनी कंपनी की अस्थायी थी उस पर ताला डाला गया। कंपनी कुछ बेचकर यहाँ से भाग ना जाए इसके लिए व्यवस्था की गई, ये हुआ। लेकिन ये WTO एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर ये दुर्घटना हो जाए तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपसे कहता हूँ उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी की संपत्ति की रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी देशी और कंपनी की रक्षा की जाती है, और उसको वो सारी सुख सुविधाएं और नियम बना के देने पड़ेंगे जो किसी देशी आदमी के लिए किए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे यहाँ करेंगी और हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कड़क कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, ये इस WTO एग्रीमेंट की शर्तों में लिखा हुआ है। और एक शर्त के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे खेती और किसानों से जुड़े हुए एक एग्रीमेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, इस संधि के लागू होने के बाद वो सारी सहायता बंद करनी पड़ेगी। और वो सहायता बंद होने का मतलब है कि किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से देना पड़ेगा, ज्यादा भाव आप नहीं दे सकते। और किसानों के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर सरकार की जो घटोत्तरी की व्यवस्था है, माने कम कीमत पर उसको बिकवाने की व्यवस्था है, वो धीरे धीरे पूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो किसानों को यूरिया DAP अब सस्ता नहीं मिल सकता, किसानों को डीजल सस्ता नहीं मिल सकता, किसानों को पानी सस्ता नहीं मिल सकता, और उनके द्वारा पैदा की जाने वाली कपास गेहूं चावल चने का भाव ज्यादा नहीं दिया जा सकता, भले सरकार के पास पैसा हो या ना हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से ही वो देना पड़ेगा और वो आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अब हम हमारे 77 करोड़ किसानों की मदद नहीं कर पाएंगे सरकार की हैसियत के रूप में, ये इस संधि के एक समझौते का हिस्सा है। और इसमें एक सबसे खतरनाक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आप ये पूरे देश के लोगों को पढ़कर सुनाएं। इस संधि को लागू करने के लिए जो पहला अध्याय लिखा गया है, उस पहले अध्याय में लिखा गया है वो ये कि आप जब इस संधि को लागू करेंगे, माने भारत जैसा देश जब इस संधि को लागू करेगा, तो इस संधि के हिसाब से आपके कायदे कानून बदलने पड़ेंगे, ना कि कायदे कानून के हिसाब से ये संधि बदली जाएगी। ये कितनी खतरनाक बात है आप इसका अंदाजा लगाइए। हमने ये संधि कर ली WTO की, अब हमारे देश का कोई कानून इस संधि के खिलाफ है तो हमको वो कानून बदलना पड़ेगा, ये संधि नहीं बदली जाएगी। इसमें लिखा हुआ है नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। जब तक ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आप स्वीकार नहीं कर लेते और इसके हिसाब से आपके कायदे कानून नहीं बदल देते, तब तक ये संधि लागू नहीं मानी जाएगी। माने इस संधि को लागू करने के लिए भारत की सरकार को कोई भी कानून बदलना है, कोई भी नियम बदलना है, तो वो बदल देना बहुत जरूरी है, इस संधि को बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ इसका कितना खतरनाक गंभीर परिणाम होगा, उसका अंदाजा लगाइए। इस संधि में एक जगह लिखा हुआ है कि भारत में जो सेवा का क्षेत्र है, सर्विसेज का सेक्टर है, वो विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ेगा। और सेवा के क्षेत्र में क्या क्या आता है, उत्पादन को छोड़कर जितनी भी गतिविधि दुनिया में चलती है वो सब सेवा क्षेत्र में आती है। मैं आपको नाम लेके बताता हूं, ये वकालत का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये चिकित्सा का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये होटल मैनेजमेंट का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये सड़क पर झाड़ू लगाने का काम सेवा क्षेत्र में आता है, कैटरिंग का काम सेवा क्षेत्र में आता है, माने हजारों तरह के काम सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इस संधि में लिखा हुआ है कि सेवा के क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलना पड़ेगा, माने अब विदेशी वकील आकर भारत में वकालत कर सकेंगे, विदेशी डॉक्टर आकर भारत में चिकित्सा कर सकेंगे, विदेशी होटल मैनेजमेंट की कंपनियां भारत में आके व्यापार कर सकेंगी, झाड़ू लगाने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी, रेस्टोरेंट होटल खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी, माने सेवा के हर क्षेत्र में विदेशी आ सकेंगे, अब हम उनको रोक नहीं सकेंगे।
अब होने वाला क्या है, मान लीजिए इस संधि के लागू होने के बाद सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा में कल्पना करिए, विदेशी स्कूल आ गए, विदेशी कॉलेज आ गए, विदेशी यूनिवर्सिटी आ गई, और यहाँ हरिद्वार में आकर विदेशी यूनिवर्सिटी ने अपनी एक शाखा खोल ली, मान लीजिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शाखा यहाँ खोल ली हरिद्वार में, परिणाम क्या होगा, ज्यादातर विद्यार्थी वहीं जाके भर्ती हो जाएंगे और हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी नजर नहीं आएंगे दाखिले के लिए। और विदेशी विश्वविद्यालय जो खोलेंगे वो कैंपस नहीं बनाएंगे, वो अपना एक ऑफिस खोलेंगे 10x10 का, और यहाँ से कहेंगे डिग्री बांटेंगे हम आपको, परीक्षा आप अपने घर में बैठ के दे दो, डिग्री यहाँ आके ले लो। और ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की डिग्री अगर हरिद्वार में मिलती है तो कौन विद्यार्थी नहीं जाएगा वहां लेने के लिए। इसी तरह से विदेशी एडवोकेट आएंगे, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, और सरकार उनके लिए कानून बदलने की तैयारी कर रही है। हमारे देश में वकीलों का एक कानून है, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट, ये कानून कभी बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत करके। इस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि भारतीय न्याय व्यवस्था में विदेशी वकील आकर कभी वकालत नहीं कर सकेंगे। अब उस कानून को बदलना है, ये WTO की संधि कहती है, अब विदेशी वकीलों के लिए दरवाजा खोलना है, और विदेशी वकील आकर यहाँ पे बहस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ के मुवक्किल तो कहेंगे कि भैया अंग्रेजी में ही सारा बहस होना है, और इन विदेशियों को तो भारतवासियों से अच्छी अंग्रेजी आती है, लिहाजा हमारा मुकदमा तो हम इन्हीं को दे रहे हैं, तो भारतीय वकीलों के पास क्या होगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। विदेशी डॉक्टर आ जाएंगे चिकित्सा करने के लिए, विदेशी हॉस्पिटल आ जाएंगे, विदेशी होटल आ जाएंगे, हर जगह विदेशी 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 अगर छा जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि 1947 में हमने जितनी मेहनत करके एक विदेशी कंपनी को भगाया, अब इस WTO एग्रीमेंट के बाद हजारों विदेशी कंपनियां और आ जाएंगी तो देश की आजादी तो वैसे ही चली जाएगी। ऐसे खतरनाक समझौते का नाम है विश्व व्यापार संगठन समझौता। ऐसी और एक संधि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो WTO एग्रीमेंट जैसी संधि हुई है, ऐसे ही एक संधि होने की बात चल रही है, भारत ने अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन जबरदस्ती भारत को धकेलकर उसमें हस्ताक्षर कराया जा रहा है। उस संधि का नाम है NPT, न्यूक्लियर पॉलीफरेशन ट्रीटी। इस संधि में क्या हो रहा है कि भारत से ये कहा जा रहा है कि तुम इसमें हस्ताक्षर करो, भारत देश इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इस संधि में ऐसी भेदभाव की व्यवस्था है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देशों ने जो परमाणु हथियार बना लिए हैं वो सारे हथियारों को अपना वो सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश इसमें हस्ताक्षर करके ये गारंटी करें कि भारत अपने सारे परमाणु हथियारों को बंद करेगा, ध्वस्त करेगा, खत्म करेगा। हमसे संधि करवाने की अपेक्षा कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत ये वायदा करे कि भारत के पास जितने परमाणु बम हैं उनको वो नष्ट कर देगा। भारत सरकार वायदा करे इस संधि में कि एक भी नया परमाणु बम आप नहीं बनाएंगे, और भारत सरकार ये वायदा करे कि परमाणु बम बनाना तो दूर की बात है, परमाणु बम के लिए परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे आप एक भी नया। अब तक जितने परीक्षण आपने किए कर लिए, अब आगे एक भी नया परीक्षण आप नहीं कर सकेंगे। तो भारत से ये अपेक्षा की जा रही है कि भारत अपने सारे परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे, नया परीक्षण ना करे और नया परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन इसी संधि में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जितने परमाणु हथियार बनाए हैं वो हम अपनी मर्जी से सुरक्षित रखेंगे और अपनी मर्जी से चाहेंगे तो नष्ट करेंगे, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। तो NPT संधि में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे देशों को एक अधिकार है और भारत को कहते हैं आपको ये अधिकार नहीं है, तो भारत इसलिए इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो दुनिया के सभी देशों से भारत के ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है कि आप इसमें हस्ताक्षर करो 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 करो, और धीरे धीरे भारत में ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो अमेरिका समर्थक है और इस संधि के समर्थक हैं, और समय आने पर वो चुपचाप इसमें हस्ताक्षर कर दें। अब अगर NPT में हमने हस्ताक्षर किया तो खतरा कितना बड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने हस्ताक्षर कर दिया NPT में, भारत के पास कहा जाता है कि इस समय 120 परमाणु बम है,
तो ये सारे परमाणु बम हमें नष्ट करने पड़ेंगे, नया कोई बम हम बना नहीं सकेंगे और उसका परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे। कभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिमाग फिर गया और पाकिस्तान के पास भी 70-80 परमाणु बम है, ये वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया है, तो किसी दिन पाकिस्तान का दिमाग फिर गया और उसने भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। और आप क्योंकि एनपीटी संधि से बंधे हुए हैं इसलिए आप परमाणु बम ना गिरा सकते हैं ना परीक्षण कर सकते हैं, तो हमारे तो लाखों लोग ऐसे ही मर जाएंगे, हम तो उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे पाकिस्तान को। और अमेरिका जबरदस्ती भारत को धकेल धकेल कर इस एनपीटी की संधि में लाना चाहता है ताकि भारत के सारे हाथ बंध जाएं और हर समय हम अमेरिका के ऊपर आधारित हो जाएं, अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाएं और हर समय अमेरिका की चाकरी करें, जी हजूरी करें, अपनी सुरक्षा के लिए भी हम अमेरिका पे निर्भर हो जाएं। ये एनपीटी की संधि है। और एक संधि भारत से करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, उसका नाम है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी उसको शॉर्ट में कहते हैं। इस संधि में भी यही व्यवस्था है। अभी हमारे देश में क्या होता है, मैं एक छोटा सा तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 1970 के पहले भारत देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी परमाणु बम नहीं था। 1970 के पहले हमारे देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। 1970 के पहले अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास किसी तरह की कोई बड़ी तकनीकी नहीं थी। 1970 के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने अपना जी जान लगा दिया इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए। जिन वैज्ञानिकों ने अपना जी जान लगाया है इस देश की सुरक्षा को स्वावलंबी बनाने में, उनमें एक डॉक्टर भाभा हुआ करते थे, एक डॉक्टर सेठना हुआ करते थे, एक डॉक्टर आयंगर हुआ करते थे, एक डॉक्टर मनमोहन हुआ करते थे और उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते हैं, जो गौरवशाली राष्ट्रपति के रूप में इस देश में पद पर सुशोभित रह चुके हैं। डॉक्टर भाभा हो, डॉक्टर आयंगर हो, डॉक्टर सेठना हो, डॉक्टर ये एपीजे अब्दुल कलाम हो, ये सारे के सारे वैज्ञानिकों का एक ही उद्देश्य रहा। ऐसे 60,000 वैज्ञानिक हुए हैं, मैंने तो नाम लिया है तीन चारों का, 60,000 भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी ताकत लगाकर पिछले 40 वर्षों में इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया। हमारे यहाँ 50 किलोमीटर की मार करने वाली पहली मिसाइल बनाई स्वदेशी, फिर 100 किलोमीटर की मार करने वाली बनी, फिर 500 किलोमीटर की, फिर 1000 किलोमीटर की, अब 3,500 किलोमीटर की मार करने वाली संपूर्ण स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास है, जो किसी भी देश की मदद के बिना हमने बनाई है। इसी तरह से हमने परमाणु बम के परीक्षण किए हैं बिना किसी की मदद के, और हमने हमारी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाए हैं, लगभग 120 परमाणु बम है। ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल है और उनकी स्वदेशी भावना की ताकत है ये। अगर वो वैज्ञानिक स्वदेशी भावना से ओतप्रोत नहीं होते तो ये सारे वैज्ञानिक भारत की धरती को छोड़कर भाग गए होते और अमेरिका और यूरोप में अच्छी नौकरियां करके अपना जीवन बिता रहे होते। लेकिन इनमें से एक भी वैज्ञानिक भारत छोड़कर नहीं गया, एक भी वैज्ञानिक ने मातृभूमि को छोड़ना पसंद नहीं किया, कम पैसे लेकर भी इस देश की सेवा की, अपमान सहन करते हुए भी इस देश की सेवा की। आप जानते हैं कि इस देश में नेताओं की जितनी सम्मान और इज्जत होती है उतनी वैज्ञानिकों की सम्मान और इज्जत इस देश में नहीं होती है, फिर भी इन वैज्ञानिकों ने अपमान सहते हुए, अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हुए, कम पैसे में काम करते हुए, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए इस देश को मिसाइल उत्पादन में स्वावलंबी बनाया, बम उत्पादन में स्वावलंबी बनाया, हथियारों के उत्पादन में स्वावलंबी बनाया। हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे स्वावलंबी होते गए, ये हमारी आज की स्थिति है। अब सीटीबीटी नाम की जो संधि है वो क्या कहती है, सीटीबीटी संधि ये कहती है कि मिसाइल बनाने के पहले मिसाइलों के परीक्षण करने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है धनुष, और वो संपूर्ण स्वदेशी मिसाइल है। भारत के वैज्ञानिकों ने नट बोल्ट से लेकर उसका पूरा इंजन तक सब कुछ यहीं बनाया है, विदेशों से कुछ नहीं लाया।
तो मिसाइल बनाने के लिए परीक्षण करने पड़ते हैं। तो अब सीटीबीटी की संधि ये कहती है कि हम सारे परीक्षण बंद कर दें मिसाइलों के, एक भी नया परीक्षण हम मिसाइलों का ना करें। और दुनिया भर के देश मिसाइलों के जो परीक्षण करते हैं, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे, वो करते रहें, उनको छूट है, भारत को ये छूट नहीं है। तो ऐसी भेदभावपूर्ण संधि सीटीबीटी, ऐसी भेदभावपूर्ण संधि एनपीटी, इस पर भारत को जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका में पिछले 50 साल में जितने राष्ट्रपति आए, यूरोप में पिछले 50 सालों में अलग अलग देशों के जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, सबने अलग अलग तरीके से भारत पर यह दबाव डाला कि जल्दी से जल्दी भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे और एनपीटी पर हस्ताक्षर करे। इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर हो जाना, अपनी आत्मरक्षा के लिए अमेरिका जैसे देशों का पिछलग्गू हो जाना, अपने देश के विकास के लिए, हथियारों के विकास के लिए, चाहे वो परमाणु हथियार हो या बिना परमाणु हथियारों, सब तरह के हथियारों के विकास के लिए विदेशियों पर निर्भर हो जाना। और आप जानते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में आप विदेशियों पर निर्भर हो जाएं तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं होती। अन्न की सुरक्षा हो या सीमा की सुरक्षा हो, दोनों ही स्तर पर अगर आप विदेशियों पर निर्भर हो गए तो वो तो आपकी पूरी आजादी को ही मटियामेट कर सकते। आप जानते हैं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, और आपको ये भी मालूम है कि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। और जो पाकिस्तान लगातार चोरी करके परमाणु बम बना रहा है, और बार बार पाकिस्तानियों की धमकी ये हमको मिलती रहती है कि जरूरत पड़ने पर भारत के ऊपर हम ये प्रयोग कर सकते हैं, उस स्थिति में भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने ऊपर निर्भर ना होके अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हो गया, और कल को अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनको ज्यादा प्यारा है भारत की तुलना में, तो हम तो हमारी सुरक्षा को भी गंवा बैठेंगे, हमारी सीमाएं भी हमारे हाथों से चली जाएंगी। 26 नवंबर हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ था, और सारी दुनिया ने वो देखा, अमेरिका ने भी वो देखा, लेकिन जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का भारत पर हमला करवाया और उसकी योजना बनाई, उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए, इसके लिए भारत सरकार अमेरिका से कह रही है, लेकिन अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर रहा है। जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का हमला भारत में योजना बनाया, वो पाकिस्तान में जिंदा हैं, खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, ना उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, और अमेरिका भी इस मामले में मौन है। भारत सरकार बार बार अमेरिका के पास जाके ये कहती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों पर दबाव होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे चलना चाहिए। अमेरिका कह देता है हाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से बार बार ये कहा कि हमारी आपसे विनम्र गुजारिश है, आप दबाव डालिए पाकिस्तान पर, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बराक ओबामा ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन कार्यवाही के रूप में शून्य का शून्य ही है, हम ये देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान में अलग हित हैं और भारत के पाकिस्तान के साथ अलग हित हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों से निकालकर दूसरों के हाथों में डाल दें, एनपीटी पर साइन कर दें, सीटीबीटी पर साइन कर दें, तो हमारे लिए तो ये आत्महत्या करने जैसा होगा, मौत के मुंह में पूरे देश को डालने जैसा होगा। इसलिए भारत किसी भी ताकत के दबाव में ना झुके और एनपीटी पर कभी समझौता ना करे, सीटीबीटी पर कभी समझौता ना करे। ये बात हमें पूरे देश के नागरिकों को समझानी है, और समझाने के बाद सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाना है कि हम सरकार से ये अपील करते हैं कि करोड़ों भारतीय नागरिक एनपीटी पर समझौता करने के पक्ष में नहीं है, सीटीबीटी पर समझौता करने के पक्ष में नहीं, तब तक नहीं है जब तक अमेरिका अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता, रूस अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता, चीन अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता, फ्रांस अपने परमाणु बमों को नष्ट नहीं करता, ब्रिटेन अपने परमाणु बमों को जब तक नष्ट नहीं करता, तब तक हम क्यों करें? ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका परमाणु बम को रखे और हम न रखें?
अमेरिका कहता है अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अगर अमरीकी नागरिक की कोई हैसियत है दुनिया में, तो भारत के नागरिक की भी कोई हैसियत है दुनिया में। अगर अमेरिका परमाणु बम से अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है, तो ये अधिकार भारत को भी है कि वो अपने परमाणु बम से अपने नागरिकों को सुरक्षा का अधिकार दे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के पास तो मात्र 120 परमाणु बम है कुल मिलाकर, लेकिन अमेरिका के पास तो 24,000 हैं परमाणु बम, रूस के पास करीब 20,000 हैं परमाणु बम, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, जर्मनी के पास, चाइना के पास कुल मिलाकर 12-13,000 परमाणु बम हैं। हमारे पास तो कुल 120 हैं, अमेरिका के पास 24,000 है। तो जिन देशों ने 24,000 परमाणु बम बना रखे हैं, पहले उनको अपने परमाणु बम नष्ट करने चाहिए, तब वो दूसरों से कहने के अधिकारी हो सकते हैं कि आप अपने परमाणु बम को नष्ट करो। अन्यथा वो ये कैसे कह सकते हैं हमसे कि हम हमारे परमाणु बम नष्ट करें जबकि उनके पास रखे हों। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था कि अमेरिका चाहे तो पूरी दुनिया को 440 बार खत्म कर सकता है। इस बात को समझिए, अमेरिका के पास कुल जितने परमाणु बम हैं, उतने परमाणु बमों का उपयोग करके दुनिया को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 440 बार खत्म किया जा सकता है। इतने परमाणु बम उनके पास हैं। एक बार ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, फिर दोबारा बस जाए, फिर वो नष्ट हो जाए, फिर तीसरी बार बस जाए, ऐसा 440 बार दुनिया बसे और अमेरिका उसको नष्ट कर दे, इतने परमाणु बम उसके पास हैं। तो जिस अमेरिका ने इतने परमाणु बम बना रखे हों, उसका दबाव हमारे ऊपर ये है कि हम हमारे सारे परमाणु बम नष्ट कर दें। ये तो कुछ ऐसी कहानी है कि जो है सबसे ज्यादा दादागिरी, गुंडागिरी और बेईमानी करने वाला हमको कह रहा है कि आप ईमानदार हो जाओ, आप दादागिरी मत करो, गुंडागिरी मत करो। ऐसी स्थिति हमारे देश को बर्दाश्त नहीं। और एक समझौते के बारे में बात करना चाहता हूं। सारी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इस गर्मी को रोका जाए, इस पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जाए। दुनिया में गर्मी बढ़ रही है तो इसमें खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो ये जो बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों पर, उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ के पिघलने से नदियों में पानी बढ़ता है, नदियों में पानी बढ़ने से समुद्र में पानी बढ़ता है, और समुद्र में पानी का स्तर थोड़ा भी बढ़ गया तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश हैं जो एक झटके में डूब जाएंगे, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है मालदीव। बिल्कुल छोटा सा देश है, टापू जैसा देश है, सबसे पहले डूब जाएगा वो देश अगर समुद्र के पानी में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो जाए तो। और मालदीव जैसे 50 देश डूब जाएंगे। तो ये जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, ये कई वर्षों से इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बर्फ ज्यादा पिघल रही है, ग्लेशियर घटते चले जा रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ रहा है, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, तो 50 देशों के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है। तो ये दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि आप ये गर्मी बढ़ने के जो कारण है, इनको रोकिए और इनको कम करिए। गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी एक सहयोगी गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसें हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहां से पैदा होती है? ये जितने आधुनिक सुख सुविधाओं वाले काम हम कर रहे हैं दुनिया में, ये सारे आधुनिक सुख सुविधाओं के काम कार्बन डाइऑक्साइड को ही बढ़ा रहे हैं। जैसे हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण सीएफसी गैसों का उत्पादन बढ़ता है, वो गर्मी बढ़ाती है। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां चलाने में डीजल पेट्रोल जलता है, उसमें से कार्बन उत्सर्जन होता है, उसके कारण गर्मी बढ़ती है। इसी तरीके से हम दुनिया में बहुत सारे ऐशो आराम के लिए, सैर सपाटे के लिए घूमने जाते हैं, जरूरत नहीं है, उससे गर्मी बढ़ती है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि अमेरिका एक ऐसा देश है, किसी भी मिनट पर, किसी भी एक मिनट पर अमेरिका की हवाई सीमा का अध्ययन करो तो हर समय 7,000 हवाई जहाज वहां उड़ रहे होते हैं। हर समय हर मिनट 7,000 हवाई जहाज अमेरिका में उड़ रहे होते हैं।
माने दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज उड़ाने वाला देश इस समय अमेरिका है। आपको मालूम है जब हवाई जहाज उड़ना शुरू करता है, जब टेक ऑफ करता है, तो जितनी ईंधन वो जलाता है और जितनी ऊर्जा को खत्म करता है, उतने ईंधन को बचाकर लाखों गाड़ियों को सालों साल चलाया जा सकता है। एक जहाज उतना ईंधन जला देता है। और अमेरिका में 7000 जहाज एट ए टाइम हर समय उड़ रहे होते हैं, तो कितना ईंधन ये जलाते हैं। और जितना ईंधन डीजल, पेट्रोल और हवाई जहाज में जलता है, वो सभी ईंधन जो है ना गर्मी पैदा करता है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है। तो दुनिया में ऐशो आराम की जितनी चीजें चल रही हैं, वो सब कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली हैं और उससे गर्मी बढ़ रही है। अब कार्बन उत्सर्जन और गर्मी बढ़ाने वाले देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जिनको अमीर देश कहा जाता है। और जान पर बन के आ रही है गरीब देशों की। मालदीव एकदम गरीब देश है, मॉरिशस एकदम गरीब देश है, ऐसे दुनिया के 50 देश डूबने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मारे जाएंगे गरीब और मजा कर रहे हैं अमीर। और ये अमीर देश मिलकर इस बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं कि उनकी जीवन शैली को वो बदलें जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। ये अमीर देशों की जीवन शैली का एक सबसे बड़ा खुट कर्म है, पाप कर्म है, ये मांसाहारी खाना खाते हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे 24 देश सबसे ज्यादा मांस खाते हैं दुनिया में। और इनके मांस खाने के लिए हर साल जानवर कटते हैं, और हर साल जो जानवर ये काटते हैं, उन जानवरों को काट काट के खाते हैं। करोड़ों की संख्या में ये जानवरों को काट देते हैं हर साल। इन जानवरों को खिलाने के लिए अनाज पैदा करना पड़ता है। 60-70% अनाज पूरी दुनिया का ये जानवर खा जाते हैं। फिर इन जानवरों को अनाज खिला के मोटा किया जाता है। फिर उन मोटे जानवरों का मांस ये अमीर देश के लोग खाते हैं। तो जानवरों का मांस पैदा करने में कार्बन उत्सर्जन होता है। अनाज जब पैदा किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। इन जानवरों के मांस को एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, फालतू में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। फिर इस मांस को हमेशा रेफ्रिजरेशन की स्थिति में रखा जाता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो इस मांस के उद्योग को चलाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। और फिर ये दुनिया के अमीर देशों की मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। सारी दुनिया में कुल जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसका 60-70% इन अमीर देशों के कारण है। तो ये अमीर देशों के ऊपर गरीब देशों की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जीवन शैली को बदलिए और ये कार्बन उत्सर्जन को कम करिए, ताकि गर्मी ज्यादा ना बढ़े, ताकि बर्फ ज्यादा ना पिघले, ताकि हम डूबने से बच जाएं। तो 50 देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये बेईमान अमीर देश उनकी एक बात को भी सुन नहीं रहे हैं। और ये अमीर देश बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी करें। उल्टा ये सारे अमीर देश आपस में मिलकर गरीब देशों पे दबाव डाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं तुम कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, हम तो कमी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा विकास बंद हो जाएगा, हमारा विकास बाधित हो जाएगा। अमेरिका की सरकार ने मना कर दिया, दुनिया भर के 24 अमीर देशों की सरकारों ने मना कर दिया। तो जिस संधि को अमीर देश करने को तैयार नहीं है, उस संधि को गरीब देशों से जबरदस्ती करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खुशी की बात यह है कि भारत देश ने साफ साफ कह दिया कि हम इस सम्मेलन की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की। और पिछले 100 वर्षों में इन्होंने जो नुकसान किया है पूरी दुनिया का, उसका मुआवजा देने की, हर्जाना देने की। 100 साल में अमेरिका और अमीर देशों ने जितना नुकसान कर दिया पूरी दुनिया में कार्बन पैदा करके, उसका वो हर्जाना भरें और आगे भविष्य में वो नई कार्बन पैदा करेंगे इसकी गारंटी दें, तभी भारत इसमें समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारत ने मना कर दिया, थोड़ा अच्छा हुआ हमने हिम्मत दिखाई। इसी तरह की हिम्मत हर जगह दिखाने की जरूरत है। परिणाम जानते हैं क्या निकला? जैसे ही भारत ने हिम्मत दिखाई, चीन ने भी हिम्मत दिखाई। चीन ने कहा हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ब्राजील ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे। अर्जेंटीना ने कहा हम भी नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे 77 देश कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब ये 77 देशों को मुझे लगता है
कि इस समय भारत देश के नेताओं के पास ऐसा अच्छा अवसर है कि इन 77 देशों को एकजुट कर लिया जाए और इनका एक अलग से संगठन बना लिया जाए और इस संगठन की ताकत से अमीर देशों को झुकाया जाए, मजबूर किया जाए और अमीर देशों से कहा जाए कि आप जिम्मेदार हैं कार्बन उत्सर्जन के और पर्यावरण की गर्मी के, तो पहले आप कटौती करो, अपनी जीवन शैली को बदलो, मांस खाना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, अय्याशी का और ऐशो आराम का जीवन बिताना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, सादगी से जियो, कम खाओ, कम पियो, कम से कम में अपना जीवन चलाओ। हम भारतवासी तो सारी दुनिया को ये उपदेश कर सकते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। चराचर जगत में जो भी कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हम उसका त्याग पूर्वक ही भोग कर सकते हैं, खाली भोग नहीं कर सकते। तो हम भारतवासी अमेरिका को और यूरोप के देशों को बता सकते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदलो और इसमें भोग कम करो, त्याग ज्यादा करो, तप ज्यादा करो, तपस्या ज्यादा करो, साधारण तरीके से जीवन बिताओ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली फिलॉसफी में जाओ, सादा जीवन उच्च विचार की फिलॉसफी में जाओ, तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा, गर्मी अपने आप कम हो जाएगी और दूसरे देशों के लिए भी ये आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए वास्तव में और इस व्यवस्था की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इसी में से बाकी संधियों को खत्म करने का भी रास्ता निकलता है और दूसरी जो संधियां हमने कर रखी हैं उसके लिए भी यही सिद्धांत हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए। और वो सिद्धांत कैसे लाना चाहिए, अब मैंने आपको एक संधि की बात की, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि, उसमें भी यही होना चाहिए कि अमीर देशों के लिए अगर विश्व बैंक और मुद्रा कोष कोई शर्त नहीं लगाता कर्जे की तो गरीब देशों पर वो शर्तें क्यों लगनी चाहिए। अमीर देशों की मुद्राओं का अगर अवमूल्यन नहीं होता, डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता, स्टर्लिंग पाउंड का अवमूल्यन नहीं होता, यूरो डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता, तो रुपए का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए, रुपया का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए, भारत जैसे गरीब देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए। जब अमीर देश अपनी मुद्रा को घटाने को तैयार नहीं है तो कोई गरीब देश भी अपनी मुद्रा को नहीं घटाएगा, दुनिया का व्यापार समानता के आधार पर चलाया जाएगा। हमें ऐसी ही एक ध्वनि निकालनी चाहिए ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि के बारे में, या तो इस संधि की शर्तों को बदलवाया जाए या इस संधि को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि है जिसमें किसानों के लिए ये कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी, तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें। अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती WTO की शर्तों के आधार पर, तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए। आपको मालूम है अमेरिका का किसान $100 का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से $400 की मदद मिलती है उसको। यूरोप का किसान अगर $100 का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को $400 की मदद करती हैं। अगर अमेरिका की सरकारें यूरोप की सरकारें $100 के उत्पादन पर $400 किसानों की मदद कर सकती हैं, तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती ₹100 के उत्पादन पर ₹400 की मदद किसानों की, हम क्यों नहीं कर सकते। हम अगर मदद करें तो WTO की संधि में हम फंसे, अमेरिका अपने किसानों की मदद करे तो वो WTO की संधि के आधार पर क्यों नहीं फंसना चाहिए। माने संधि होती है तो बराबरी के स्तर पर होती है, ये नहीं हो सकता कि एक कोई बहुत ऊंचा और एक कोई बहुत नीचा। ऊंचे और नीचे लोगों में संधियां नहीं हुआ करती, संधियां हमेशा बराबर के लोगों में होती हैं। और अगर ऊंचे नीचे लोगों में संधि आप करेंगे तो हमेशा नीचे वाले का शोषण होगा और ऊपर वाला उस शोषण से ताकतवर होता चला जाएगा। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधियों की शर्तें बदलवानी है, विश्व व्यापार संगठन की संधियों की शर्तें बदलवानी है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में सबसे पहली शर्त ये बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है कराना है ये हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है, उसका सॉवरिन राइट है। कोई देश की संसद क्या कानून बनाए क्या कानून ना बनाए ये उस देश की संसद का संप्रभु अधिकार है। WTO ये कैसे तय कर सकता है कि आपको ये कानून बनाना चाहिए दूसरा नहीं बनाना चाहिए।
WTO हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता, कोई सुपर गवर्नमेंट वो नहीं बन सकता, इसलिए ये संधि में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए। और बाकी जो शर्तें हैं, देशी और विदेशी कंपनियों को एक बराबर व्यवहार करना, देशी और विदेशी नागरिकों को एक बराबर व्यवहार करना, दुनिया में कोई नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ विदेशियों का ही व्यवहार होता है, वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ। तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण जो संधियां हैं, वो WTO की हो, वो वर्ल्ड बैंक की हो, वो IMF की हो, वो CTBT की हो, वो NPT की हो, वो चाहे कार्बन उत्सर्जन की ट्रीटी हो, दुनिया की कोई भी ऐसी संधि हमें मंजूर नहीं है जो हमारे साथ पक्षपात करती है और दूसरे देशों को हमारा शोषण करने का अधिकार देती है। तो सारे भारत में हमें ये अभियान चलाना है, इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है। जब तक पूरे देश में कोई माहौल नहीं बनेगा तब तक इन संधियों को संसद से हम निरस्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये तकनीकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संधियों को रद्द करने का अधिकार हमारे पास है? हाँ है, हमारे देश की संसद को ये सारी संधियां रद्द करने का अधिकार है। हम WTO की संधि हमारी संसद से रद्द कर सकते हैं, विश्व बैंक की संधि रद्द कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर सकते हैं, किसी भी संधि को हमारी संसद रद्द कर सकती है, ये संसद का सार्वभौम अधिकार है। बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुंचने वालों का बहुमत चाहिए, बाकी संसद कुछ भी कर सकती है। हमारे देश की संसद ये सभी संधियों को रद्द करने का अधिकार रखती है, बस हमारी संसद में 350 ऐसे सांसद चाहिए जो इस विचार को लेकर जाएं और इस संधियों को एक साथ रद्द करते चले जाएं। तो आप पूछेंगे फिर दुनिया में कोई झगड़ा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं आपको कई देशों का नाम लेके बताता हूं जिन्होंने इन सारी संधियों को अपनी संसद में रद्द किया है और वो जीवित हैं और अच्छे तरीके से सम्मान का जीवन बिता रहे हैं। मैं एक देश का नाम लेके आपको कहना चाहता हूं, क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है, उसने विश्व व्यापार की संधि नहीं मानी, WTO की संधि उसने नहीं मानी, उसने विश्व बैंक वाली संधि भी नहीं मानी, उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि भी नहीं मानी, CTBT को तो वो मानता ही नहीं है, NPT को भी नहीं मानता है। क्यूबा जैसे देश ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को नहीं माना, एक झटके में अपनी संसद से उनको रद्द किया है। क्यूबा में इस समय एक राष्ट्रपति है, उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो, पूरे देश का समर्थन उनके साथ में है और वो सालों साल से राष्ट्रपति हैं। जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुनकर आए, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको समर्थन दिया और उन्होंने इन संधियों को अपनी संसद से रद्द करा दिया। अब क्यूबा जैसा देश इन सब संधियों को रद्द करा सकता है और क्यूबा जीवित है, सम्मान के साथ जीवित है, उनकी मुद्रा की ताकत भी बहुत बड़ी है और उनके देश की ताकत भी बहुत बड़ी है। हालांकि क्यूबा 2 करोड़ की आबादी का देश है और अमेरिका उसके बगल में 27 करोड़ की आबादी का देश है, फिर भी 2 करोड़ का क्यूबा स्वाभिमान के साथ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो 27 करोड़ नागरिकों वाले अमेरिका को नाकों चने चबवा रहा है, वो इतना छोटा सा देश है। क्यूबा जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके तो हमारा देश भी जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके। क्यूबा तो एक उदाहरण है, ऐसे में दुनिया के 40 देशों का उदाहरण आपको दे सकता हूं जिन्होंने इन संधियों को रद्द किया है अपने अपने देश की संसद से, और उसके लिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग करने तक अपनी जीवन को दांव पे लगाया। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है इराक। आपको मालूम है इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मारा गया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को माना नहीं अपने देश में। खुददारी के साथ, स्वाभिमान के साथ उसने कहा कि मैं इराक को देखना चाहता हूं, ना कि अमीर देशों का पिछलग्गू देश बनाना चाहता हूं। तो इराक ने इन संधियों को नहीं माना, ईरान ने इन संधियों को नहीं माना है। ऐसे 40 देश हैं दुनिया में जिन्होंने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से, जहां के लोगों ने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से, तो भारत भी नकार सकता है। और भारत के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत जैसा देश
इन संधियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाए तो 70-80 और गरीब देश भारत के साथ जुड़ जाएंगे, वो भी इन संधियों से परेशान है जो गरीब हैं और मुफलिसी के शिकार हैं। तो दुनिया के 70-80 देशों के हम नेता हो सकते हैं, उनको इन संधियों के रद्द करने के लिए रास्ते बता सकते हैं। फिर आप बोलेंगे हम भविष्य में विकल्प क्या दे सकते हैं, विकल्प हम ये दे सकते हैं कि जो 70-80 देश इन संधियों से बाहर आएंगे वो आपस में मिलकर नई संधियां कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका को शामिल ना करें, कनाडा को शामिल ना करें, यूरोप के देशों को शामिल ना करें, 24 अमीर देशों को बाहर निकालकर सारे गरीब देश मिलकर आपस में संधि कर लें, तो ये अमीर देश नाक रगड़ेंगे और भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है जो वो पैदा करके अपनी जनता को खिला सके। आपको मालूम है अमीर देशों के पास संसाधन नहीं है, भगवान की दी हुई कोई संपत्ति उनके पास नहीं है। फिर आप बोलेंगे वो अमीर कैसे हैं, उनके पास श्रम भी नहीं है, उनके पास संसाधन भी नहीं है, फिर भी वो अमीर कैसे हैं? वो सिर्फ एक चालाकी के दम पर अमीर हैं, और उनकी चालाकी है मुद्रा के मूल्य को उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है, $1 को 50 रुपए बनाया हुआ है, 1 स्टर्लिंग पाउंड को 80 रुपए बनाया हुआ है, इसी चालाकी के कारण वो अमीर हैं। जिस दिन उनकी ये चालाकी खत्म हो गई वो सब के सब जमीन पर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनके पास कुछ नहीं है। हम गरीब देश गरीब क्यों हैं? हम गरीब देश इसलिए गरीब हैं कि भगवान के दिए हुए भरपूर संसाधन हैं, भगवान के दिए हुए लोगों का भरपूर श्रम है, लेकिन मुद्रा की कीमत नहीं है, मुद्रा की ताकत नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी संसाधन का विक्रय होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा जो है ना मीडियम है एक्सचेंज का, कोई भी साधन खरीदे बेचे तो मुद्रा बीच में आती है। गरीब देशों की मुद्राओं की कीमत कम है, यही उनकी सबसे बड़ी कम नसीबी है। तो गरीब देश अगर इस सच्चाई को समझ लें कि संसाधन उनके पास है, धन उनके पास है श्रम के रूप में और बौद्धिक क्षमता के रूप में, इससे बड़ा धन क्या चाहिए? अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है तो टेक्नोलॉजी तो आप 1000 बना सकते हैं, और आपके पास श्रम है तो उत्पादन आप 1000 गुना कर सकते हैं, और भगवान के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन है तो उनको बदलने की क्षमता आप रखते हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, बस मुद्रा की कीमत में आपकी जो कमजोरी है, इस कमजोरी को आप मजबूती में बदल दो। और मजबूती में बदलने का तरीका यह है कि दुनिया के जो जो देशों की मुद्राएं कम है इन सब देशों का हम संगठन बनाएं, और सब मिलकर एक साथ विश्व बैंक और मुद्रा कोष के खिलाफ अभियान चलाएं, और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की जो शर्तों की सूची है उसमें से मुद्रा का व्यवहार निकलवा दें, तो सारे गरीब देश रातों रात अमीर हो जाएंगे और दुनिया के सारे अमीर देश रातों रात गरीब हो जाएंगे। ये सब एक झटके में होने वाला है। अब इसको करेगा कौन? एक कहावत कही जाती है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। रास्ता तो हमें दिख रहा है, काम क्या करना है वो भी मालूम है, लक्ष्य भी हमको दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये साहस कौन करेगा, ये हिम्मत कौन करेगा, दुनिया के 70-80 देशों को इकट्ठा करने के लिए अगुवाई कौन करेगा, लीडरशिप किसके पास होगी? तो मुझे ऐसा लगता है विनम्रता पूर्वक कि भारत ये काम कर सकता है, क्योंकि बार बार भारत ने दुनिया के देशों को रास्ता दिखाया है और दुनिया के देशों को एक आगे बढ़ाने के पथ पर लाया है। बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरु रहा है, बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरु का स्थान पाता रहा है, बार बार भारत दुनिया की लीडरशिप करता रहा है, शांति के लिए हो या युद्ध के लिए हो, हमने नेतृत्व किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतृत्व दिया है। तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतृत्व करेगा और भारत इन 70-80 देशों को रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा। अब भारत में ये काम जो करेगा वो आप सब करेंगे, हम सब करेंगे, हमारा संगठन भारत स्वाभिमान, आपका संगठन भारत स्वाभिमान, हम सबका संगठन भारत स्वाभिमान इसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपने देश की मुद्रा की ताकत हमको बढ़ानी है और हमारे जैसे गरीब देशों के मुद्राओं की ताकत भी हमको बढ़वानी है, और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों को बदलवाना है, WTO की संधि को बदलवाना है, CTBT, NPT या कार्बन उत्सर्जन की संधियों को पक्षपात पूर्ण नहीं रखना है, उनको समानता के व्यवहार पर आधारित बनवाना है, ये सब काम करना है। भारत स्वाभिमान इसमें अगुवाई ले चुका है, लीडरशिप हमारे हाथ में है,
बिल्ली के गले में हम घंटी बांधेंगे और सारी दुनिया को हम ये रास्ता दिखाएंगे और ईश्वर हमको रास्ता दिखाएगा, परमपिता परमात्मा हमको मदद करेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हम सत्य पथ पर चल रहे हैं, हम साधना के पथ पर चल रहे हैं, दूसरों के दुखों को उतनी ही संवेदनशीलता से हम महसूस कर रहे हैं जैसे वो देश महसूस करते हैं। मुद्रा की कीमत कम होने का दर्द क्या होता है ये इंडोनेशिया वाले जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं, अफ्रीकी देश जितना जानते हैं हम जानते हैं, एशिया के देश जितना जानते हैं हम जानते हैं। तो हमारा दर्द उनके दर्द जैसा है, हमारी पीड़ा उनकी पीड़ा जैसी है, हमारा दुख उनके दुख जैसा है। तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि दुनिया के सब देश एक साथ मिलकर इकट्ठे हों भारत के साथ, और भारत के लोग इकट्ठे हों भारत स्वाभिमान के साथ। तो ये भारत स्वाभिमान अगुवाई करेगा और सारे विश्व को इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़ जाल से मुक्त कराने में सफल होगा। इस भावना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमको शक्ति मिले, साहस मिले और हम ये काम में यशस्वी हों, हमारी विजय हो, हमारी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।